क्चर में क्या पढ़ रहे थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते है जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हाय कैसे वो बच्चे हाय मनोज कुमार गुड मॉर्निंग खुशबू गुड मॉर्निंग भगत गुड मॉर्निंग प्रियांशु स्वप्निल मनोज देवेंद्र निखिल फैजान फैजन आ गया या सो so, आ गया बोलता, या नहीं। तो फैजान, फैजान, कर देते। उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने जितना अभी तक तो पढ़ा ना टैक्स रेट से पूरा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है मेरे साथ साथ तुम लोग रिवाइज करोगे मजा आ जाएगा तुमको ठीक है चलिए या तो हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा 23-24 टैक्स टैक्स रेट रेट क्या है है दो तरह की रेट होती एक जनरल टैक्स रेट एक स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट पे अपन बात है वो बाद में करेंगे आज अपन बात करेंगे जनरल टैक्स रेट पे जनरल टैक्स रेट किसके लिए क्या टैक्स रेट रहती है तो इंडिविजुअल एच यूएफ आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन के लिए टैक्स रेट क्या रहेगी भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा मींस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक डैश पे डैश उसके बाद टू फिफ्टी से लेके फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं रेजिडेंट एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल एज सिक्सटी इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन के केस में अप टू थ्री लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा थ्री लाख टू फाइव लाख फाइव परसेंट फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी मोर देन टेन लाख थर्टी उसके बाद में हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जो सुपर सीनियर सिटीजन रहता है ना उसका मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर उसके लिए अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता 5 लाख लाख टू 10 20 परसेंट अब एक बात समझना ये इंडिविजुअल एच यूफ एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज भी लगता है अब ये सरचार्ज कितना लगता है कैसे लगता है तो सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम पचास लाख तक ही है तो, तो नहीं लगेगा टोटल इनकम अप टू फिफ्टी लैक है तो नहीं लगेगा बट फिफ्टी लैख से ज्यादा है अपटू वन करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना एड करने का टेन वन करोड़ से ज्यादा अप टू टू करोड़ है तो फिफ्टीन परसेंट अगर टू करोड़ से ज्यादा अप टू फाइव करोड़ है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट और अगर फाइव करोड़ से भी ज्यादा है तो थर्टी सेवन परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने का फोर परसेंट तो जो टैक्स आता है उसमें सरचार्ज ऐड करने का अगर लगता है तो और उसमें फिर ऐड करने का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद हमने बात की थी कि कंपनी के, के केस में टैक्स रेट क्या लगती है तो अगर मैं कंपनी की बात करूं बाबू तो कंपनी के केस में दो तरह की कंपनी होती है एक तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी है और एक फॉरन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है मीन 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो टैक्स रेट रहेगा 25 परसेंट और अगर 400 करोड़ से ज्यादा है अदरवाइज में आया तो 30 परसेंट फॉरन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा सरचार्ज तब लगेगा जब इनकम वन करोड़ से ज्यादा है अगर टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा अप टू टेन करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सेवन परसेंट फॉरन कंपनी के केस में टू परसेंट और बेटा टेन करोड़ से भी ज्यादा है तो ट्वेल्व परसेंट एंड फाइव परसेंट और बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा फोर परसेंट पार्टनरशिप फर्म के केस में टैक्स रेट रहता है फ्लैट थर्टी कितना रहता है फ्लैट थर्टी तो फर्म एल एंड लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट थर्टी रहेगा सरचार्ज 12% परसेंट लगेगा अगर इनकम एक करोड़ से ज्यादा है हेल्थ एंड एजुकेशन फोर परसेंट टैक्स रेट फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी कोऑपरेटिव के लिए टैक्स रेट रहता है बहुत छोटा सा स्लैब है टेन थाउजेंड तक इनकम है तो टेन परसेंट टेन से ट्वेंटी थाउजेंड है 20%, 20,000 से ऊपर है 30% और सरचार्ज लगेगा के जैसे, 7% एंड 12% उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, है? कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम जैसे इंडिविजुअल एच यूएफी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में थोड़ा बहुत पचास लाख से ज्यादा है या वन करोड़ से ज्यादा है टू करोड़ से ज्यादा है फाइव करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए मिस जितना इनकम नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा एक बंदे की तो इक्यावन लाख पे पहले आप टैक्स निकाल दीजिए अब यहां इनकम पचास लाख से लिटिल बिट ज्यादा है एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख तो देखने का करके ठीक है अब आप मुझे बोलोगे आप बार बार ये बोल रहे हो लिटिल बिट मोर देन पचास लाख है लिटिल बिट का मतलब क्या आप फिक्स ही बता दो ना कि इंड नहीं बता सकता फिक्स मैं अगर बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल एच यूएफी आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन के केस में मुझे 50 के ऊपर वाला अमाउंट बताना पड़ेगा फिर मेरे को एक करोड़ के ऊपर बताना पड़ेगा फिर दो करोड़ के ऊपर फिर पांच करोड़ सीनियर सिटीजन हो गया तो सब अमाउंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन होगा तो वापस चेंज होगा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में वापस चेंज होगा तो आपको क्या करने का जब आपको लगता है ना कि किन बावन तिरपन लाख रुपए है तब आपको चेक करना है आप पहले टैक्स निकाल दीजिए उसमें एड कर दीजिए सरचार्ज सरचार्ज एड करने के बाद आपको लिखने का दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे 50 लाख पे टैक्स कितना आएगा और 50 लाख के ऊपर वाली इनकम एज इट इज निर्मला सीतारामन जी को दे दीजिए पचास लाख के ऊपर वाली इनकम एज इट इज आप निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए ऑटोमेटिकली मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा

और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आप लोगों ने ये सुना होगा बहुत बार कि अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपए तक ही है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता ऐसा सुना के नहीं सुना सुना के नहीं सुना सुना ना कि पांच लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन सर कल से परसों से आप जो टैक्स रेट पढ़ा रहे हो उसमें तो आप ये पढ़ा रहे हो कि ढाई लाख से ज्यादा इनकम होते ही आपको पांच टैक्स लग रहा है तो फिर ऐसा कब होता है क्या हमारी इनकम पांच लाख का है तो टैक्स लगेगा ही नहीं इसमें क्या होता है ना एक रिबेट मिलती है और ये रिबेट क्या है मैं पहले आपको समझा दू उसके बाद अपन लिख लेंगे तो पहले आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए इधर ध्यान दीजिए एक सेक्शन होती है सेक्शन नंबर एटी सेवन ए करके एटी सेवन ए इनकम टैक्स की सेक्शन है और उसमें बोला हुआ है आपको एक रिबेट मिलेगा फ्रॉम टैक्स जो भी टैक्स है उसमें से रिबेट मिलेगा बट ये रिबेट मिलता किसको है इधर ध्यान देना ये रिबेट मिलता है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और जिसका टोटल इनकम है ना जिसका टोटल इनकम है वो टू फाइव लाख रुपए तक ही है मतलब जिसका इनकम है वो पांच लाख रुपए तक ही है उससे ज्यादा नहीं है टोटल इनकम अप रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट रिबेट मिलेगा बट का सर अमाउंट कितना रहेगा तो लॉ मेकर बोलते हैं आपको रिबेट मिलेगा जितना आपका टैक्स का अमाउंट है या ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलेगा चीजों को समझते हैं डोंट वरी देखिए सबसे पहली चीज ये जो रिबेट मिलेगी ना ये रिबेट सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी तो क्या एच कंपनी पार्टनरशिप हम बाकी को मिलेगी नहीं सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल और वो भी रेजिडेंट होना चाहिए और जिसकी इनकम अप टू फाइव लाख रुपीज है जिसकी इनकम कितनी है कितना रिबेट मिलेगा जितना आपका टैक्स है और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी और यह बंदा है ये रेजिडेंट है और इसकी जो एज है वो थर्टी टू ईयर्स है कितनी है थर्टी टू ईयर्स पहले थर्टी फोर थी फिर थर्टी थ्री हुई अब थर्टी टू कर दो बस तो थर्टी टू ईयर्स है और मेरी इस साल की जो इनकम है वो मान लो फोर लैख थर्टी थाउजेंड है और मेरी इनकम ही नहीं है सिर्फ फोर लाख थर्टी थाउजेंड मेरी इनकम है अब मुझे एक बात बताओ ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों थर्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा डैश पे डैश 2, 50, टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके फाइव परसेंट कितना हुआ नाइन थाउजेंड आया तो बेटा थाउजेंड तो का मेरा टैक्स आया का मेरा टैक्स आया। लॉ मेकर बोलते हैं, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन जिसकी इनकम पांच लाख तक ही है क्या यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आंसर इज यस ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी इनकम पांच लाख तक ही है पांच लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको रिबेट मिलेगा तो यहां पे मैं एलिजिबल हूं रिबेट लेने के लिए तो यहां हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने से पहले ही रिबेट लेना पड़ता है और ये रिबेट मिलेगा जितना मेरा टैक्स का अमाउंट है वो या फिर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर तो टैक्स का अमाउंट मेरा कितना है नाइन थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लोअर कम्स टू नाइन थाउजेंड तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसलिए मार्केट में आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि इनकम अगर पांच लाख तक है तो कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ता ये इसकी वजह से होता है क्योंकि ये सेक्शन बोलती है कि आपका जो टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिलेगा अब मान लो कोई बंदा है जिसकी इनकम एग्जैक्ट पांच लाख है तो क्या होगा एक बात बताओ ये एग्जैक्ट लाख होता तो मेरा टैक्स कितना आता यहां पांच सौ और रेबेट तो बारह हजार पांच सौ का मिल जाता तो कोई भी टैक्स नहीं लगता इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पांच लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन एक बात समझना गड़बड़ कहां पर होती है कि अगर मान लो जैसे एक बंदी है जिसका नाम है बेटा तुम्हारा नाम क्या है दिव्या जैसे मान लो एक बंदी है मिस दिव्या अब एक बात समझना दिव्या है वो रेजिडेंट है और दिव्या की जो एज है वो मान लो 22 इयर्स है एग्जांपल हाँ बेटा 22 इयर्स है नहीं तो बोलो 22 इयर्स सर 22 इयर्स है और इसकी जो टोटल इनकम है वो मान लो टोटल इनकम इसकी है फाइव लैख एंड थ्री थाउजेंड कितनी टोटल इनकम है फाइव लैख थ्री थाउजेंड अब आप समझते हैं कि इस पर हम टैक्स निकालेंगे तो जब हम इस पर टैक्स निकालेंगे तो टैक्स निकालते टाइम अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे डैश पे डैश कुछ भी नहीं आएगा मोर देन टू लैख फिफ्टी अप टू फाइव लैख कितना पांच परसेंट एंड मोर देन फाइव लैख अप टू फाइव लैख थ्री थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट कितना छह सौ तो टोटल हुआ तेरह हजार सौ अब एक बात समझना ऑनलाइन वाले बच्चों क्या यहां पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या यहां पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ तो क्लियर बोलता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए अप टू पांच लाख तो यहां पे ये बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है और इसकी इनकम पांच लाख से ज्यादा है तो यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा और जब यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा तो मैं यहां पे लिखूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए है नॉट अवेलेबल तो आपका टैक्स रहा तेरह हजार एक सौ और इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो टोटल तो कितना आ जाएगा तेरह हजार सिक्स ट्वेंटी फोर है दैट इज करके लिखेंगे तेरह हजार छह सौ बीस इतना टैक्स आएगा एक बात बताओ सर यहां पे गलती हो गई एसएससी से कि से तीन हजार ज्यादा कमा लिया गलती हो गई ना क्योंकि अगर ये पांच लाख ही होता तो क्या कोई टैक्स लगता क्या नहीं लगता गलती हो गई तीन हजार ज्यादा कमा लिया और उसकी वजह से टैक्स कितना भरना पड़ रहा है पता है तेरह हजार छह सौ बीस तो क्या यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट है या नहीं है राइट आंसर इज नहीं है राइट आंसर इज नहीं है यहां पे यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट नहीं है गवर्नमेंट को बहुत बार मेल भी किया लोगों ने बोले ये गड़बड़ है गलत है ऐसा मत करो बेचारे ने तीन हजार गलती से ज्यादा कमा लिए तीन हजार तुम ही ले लो बट तो भी तुम तेरह हजार छ सौ बीस ले रहे हो तो बोले हम तो लेंगे करके ठीक है तो कुल मिला के हम हमारे क्लाइंट को हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपने क्लाइंट की जो इनकम है ना वो कम से कम पांच लाख तक ही रखो एक रुपया भी ज्यादा मत करो मतलब एक अगर पांच लाख और चार रुपए तक ठीक है तो तो ठीक है पांच लाख में आ जाएगा हाँ राउंडेड होके लाख में आएगा ना और पांच लाख अगर पांच रुपया हुआ तो पांच लाख दस रुपया हो जाएगा और पांच लाख दस रुपया हुआ तो फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी फिर ये रिबेट नहीं मिलेगी तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलते हैं और आप भी अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि पापा इनकम है ना वो पांच लाख तक ही रखो अगर लास्ट डे पे आपको लगता है कि कहीं तीन हजार चार हजार ज्यादा हो गया है तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन डाल दो करके ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन देते हैं तो उसका एक 80G में डिडक्शन मिल जाता है अंडर चैप्टर तो वापस आपकी नेट टैक्सेबल इनकम पांच लाख की आएगी तो हमेशा यह ध्यान रखना आपकी इनकम जो है वो अगर पांच लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा पांच लाख पांच रुपया हुआ इसका मतलब आपको टैक्स लगेगा फिर यह रिबेट एटी सेवन ए का आपको नहीं मिलेगा अब आपके मन में, में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ यहां पे ऐसा क्यों दे रखा है कि रिबेट मिलेगा आपका टैक्स का अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सर हमेशा लोअर तो टैक्स का अमाउंट ही आएगा ना आपके मन में, में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये देने की जरूरत क्या थी गवर्नमेंट ऐसा भी तो लिख सकती थी ना कि जो तुम्हारी इनकम अगर पांच लाख है तो टैक्स भरना ही नहीं ऐसा भी तो लिख सकती थी ऐसा क्यों लिखा कि ये रिबेट मिलेगा टैक्स का अमाउंट तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सर ये टैक्स का अमाउंट तो मैक्सिमम बारह हजार पांच सौ ही तो आएगा हमेशा टैक्स का अमाउंट ही तो कम आएगा तो ऐसा क्यों लिखा ऐसा इसके लिए लिखा इसके पीछे के रीजन है और रीजन है कि कुछ ऐसी इनकम होती है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है कुछ इनकम ऐसी रहती है जिसके बारे में अपन दो दिन में पढ़ लेंगे जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है जैसे मैं एक लेता हूं इधर देखो एग्जाम्पल लेता हूं समझने की कोशिश करना जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर जय रेजिडेंट इंडिविजुअल है और ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इसको इस साल सिर्फ विनिंग का इनकम है चार लाख और कोई इनकम है ही नहीं

और इसकी टोटल इनकम पांच लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल इनकम चार लाख ही है तो क्या इसको रिबेट मिलेगा आंसर यस मिलेगा इसको रिबेट यहां पे इसको रिबेट मिलेगा 87A ए का और रिबेट कितना मिलता है जो आपका टैक्स का अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवर लोअर तो यहां टैक्स का अमाउंट कितना है एक लाख बीस हजार और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो लोअर कितना आया ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस कर दीजिए एक लाख सात हजार पांच सौ और उसमें फिर अपन एड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से रेट फोर इसके लिए लॉमेकर ने बोला इसलिए लॉ मेकर ने बोला है कि यहां पर टैक्स का अमाउंट और 12,500 फाइव विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिलेगा इसलिए उन्होंने ऐसा फ्लैट नहीं लिखा कि पांच लाख तक की इनकम है तो टैक्स नहीं भरना नहीं तो गड़बड़ हो जाती विनिंग भी की इनकम हो तो इसके लिए उन्होंने बोला है टैक्स का अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर लिखिए अपनी बुक में हेडिंग दीजिए सेक्शन एटी सेवन हेडिंग दीजिए सेक्शन एटी सेवन ए एटी सेवन ए में लिखिए रिबेट अंडर सेक्शन रिबेट सिर्फ ऐसा लिख लीजिए रिबेट सिर्फ ऐसा लिख लीजिए रिबेट सेक्शन एटी सेवन ए रिबेट उसमें लिखिए नेक्स्ट लाइन में और रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज फाइव लाख फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज फाइव लाख टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू रूपीज फाइव लाख रिबेट फ्रॉम टैक्स नेक्स्ट लाइन में लिख लो रिबेट फ्रॉम टैक्स और रिबेट कितना मिलेगा तो लिखिए जो भी आपका टैक्स अमाउंट आएगा और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड विच एवर इज लोअर उसके बाद इसके नीचे कुछ नोट्स लिखिए नोट्स और नोट नंबर वन लिखिए रिबेट अवेलेबल बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रिबेट अवेलेबल बिफोर रिबेट अवेलेबल बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और दूसरा नोट लिखिए चलो एक बार और बटन दबाया तो कितनी देर चलता है तब तक श्री आएगा दूसरा लिखिए क्या लिखा आपने दूसरा नोट नहीं लिखा ना अभी तक दूसरा नोट लिखो दिस रिबेट इज अवेलेबल दिस रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स ऑन एनी टाइप ऑफ द इनकम दिस रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स ऑन any type of the income, any type of the income, other than, other than LTCG under section 112A one two a. अब ये क्या लिखा है? इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद. सिर्फ ऐसा लिखिए. Other than LTCG under section one one two a. Other than LTCG अंडर सेक्शन वन वन टू ए अदर देन एल अंडर सेक्शन तो दो नोट आपने लिखे हैं। सबसे पहले जो जो वर्ड बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लो एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को अंडरलाइन कर लो पहली लाइन में एक पांच लाख को अंडरलाइन कर लो और एक एल टीसीजी अंडर सेक्शन वन वन टू ए अदर देन एल अंडर सेक्शन वन वन टू ए को अंडरलाइन कर दो ये एल टी सी जी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कैपिटल गेन क्या होगा देखेंगे अपन इस कैपिटल गेन के सामने ये रिबेट नहीं मिलती बाकी सबके सामने ये रिबेट मिलती है चलिए इससे रिलेटेड शायद कंपाइलर में मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिए होंगे और ये रहे दो छोटे छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर अगर आपके पास कंपाइलर है तो ठीक है नहीं है तो आप इधर देख लो छोटा सा क्वेश्चन है देखिए मिस्टर राघव एज 26 सिक्स का बंदा है रेजिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ फोर लैख फोर्टी थाउजेंड सो राघव रेजिडेंट है इंडिया में इसका पावर चाहिए भाई तीन बार बंद हो चुका है मिस्टर राघव एज 26 सिक्स रेजिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ फोर लैख फोर्टी थाउजेंड कंप्राइजिंग ऑफ हिस्सैल इनकम ऑप्शन है जी। कंप्राइजिंग ऑफ ES का पावर चाहिए अभी मैं चालू रखूंगा जब आएगा तब तो कर लेंगे इसका पावर ला के दे दे मुझे कहाँ है पावर ये किसमें से इसमें निकाला हेलो भाई साहब श्री मतलब है ना मतलब यहाँ पे एम डी जो है वो श्री है मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ ये बोल रहा नहीं नहीं ये नहीं आपको यही यूज करना पड़ेगा भाई गजब आदमी है तू आप लगेगा देखना बहुत बुरी बीवी मिलेगी रोज दारू पी के आएगी

Assuming that that assessee the the option of of shifting out default tax regime provided under Section 115 BAC, subsection 1A that is ignore ऑप्शनोर को ignore करो हर question में आप यही बोल रहे हो दो दिन बाद समझा दूंगा 115 तब आपको समझ में आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दून बी एस सी एक ऐसी जिसमें सात लाख तक टैक्स नहीं लगता कितने लाख तक सेवन lakh तक आपने इस बार बजट आया तो सुना होगा ऐसा सुना था ना तो इसके लिए मैं बार बार इसको इग्नोर कर रहा हूं बट वो ऑप्शन है मतलब ऐसा है कि आप नॉर्मल में जाओ या वन वन फाइव बीएससी में जाओ अब आप बोलोगे हर कोई वन वन फाइव बीएससी में ही जाएगा क्योंकि उसमें तो सात लाख तक टैक्स नहीं लगता ऐसा नहीं है भैया आएगा हाँ तो रुक जाओ थोड़ा तो राघव का इनकम चार लाख चालीस हजार है और चार लाख चालीस हजार जब है तो आपको उसका टैक्स निकाल के बताना है तो चलो अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये तो यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर वन मिस्टर राघव और मिस्टर राघव की इनकम कितनी है फोर लैख थर्टी या फोर्टी थ्री जीरो या फोर जीरो वेरी गुड फोर लैख फोर्टी थाउजेंड तो इस पर टैक्स कैसे आएगा टैक्स कैलकुलेशन अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सार्थक डैश पे डैश डैश पे डैश डैश पे डैश मोर देन टू लेख फिफ्टी थाउजेंड अप टू फोर लैख फोर्टी थाउजेंड कितना नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड वेरी गुड क्या कैलकुलेटरिंग है 9,500 तो टोटल तो 9,500 हो गया इसमें से रिबेट मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन ए तो आपका टैक्स अमाउंट और 12,500 लोअर कम्स टू एच एवर इज लोअर का मतलब वैल्यू वाइज लोअर है ऐसा नहीं कि जो नीचे लिखा हुआ है वही ले लो ऐसा होता है ना बच्चों को लगता है मतलब जो नीचे लिखा है वो लिख लो हाँ नेट टैक्सेबल नेट टैक्स पेबल डैश सार्थक डैश पे डैश क्या हुआ हाँ रिबेट मेंशन करना जरूरी है मिल रहा है नहीं मिल रहा है रिबेट नहीं मिल रहा है तो नहीं करना मिल रहा है तो करना पड़ेगा हाँ भाई उत्कर्ष उत्कर्ष ने बहुत उत्कर्ष जवाब दिया है हमारे इस बैच का मेन जो बंदा है वो फैजान भाई क्या नाम है फैजान भाई इस बैच का मेन किडनेपर इस फैजान भाई हा? फेस टू फेस में तक और ऑनलाइन में फैजान भाई फैजान भाई बोलता है हमको ज़्यादा कमाना ही नहीं है के तो हमको रिबेट मिल जाएगी फैजान भाई ऐसा नहीं होता ना बाबू टैक्स जो टैक्स जो भरना है वो तो इनकम में से भरना है ना तो ज्यादा कमाओगे तो अच्छी बात है ना थोड़ा ज्यादा टैक्स भरना क्या फर्क पड़ता है जो. हाँ। चलो एक बंदा बोलता है मैं फैजान भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा किडनैपिंग के बिजनेस में भाई साहब फैजान भाई तो जाएंगे जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे साथ में चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर आ जाइए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है मिस्टर दिनेश एज थर्टी फाइव ईयर्स है रेजिडेंट इन इंडिया इंडिया में ये रेजिडेंट है दिनेश भाई रेजिडेंट है टोटल इनकम ऑफ फोर लैख एटी थाउजेंड इनकी टोटल इनकम फोर एटी है बट वो किससे है पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन टू से वन वन टू से है कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट या चौबीस पच्चीस अज्यूमिंग दैट अस एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्शनोर लाख नहीं है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है मैं आपको सिर्फ एक अभी हिंट दे रहा हूं कैपिटल गेन क्या होता है क्या जैसे कोई घर बेचता है कोई ज्वेलरी बेचता है तो उसको बेचने से अगर दो साल बाद बेचा मतलब घर जैसे है आज खरीदा दो साल रखा दो साल बाद बेचा तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस आपने लंबे टाइम तक रखा था उसके बाद बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और मान लो आपने दो साल के अंदर अंदर बेच दिया तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बोला जाता है और जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना उस पर टैक्स लगता है सिर्फ 20 परसेंट से कौन सी रेट से 20 से 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 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स टैक्स रेट लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 परसेंट से टैक्स लगता है अब आप बोलोगे सर यहां लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू अभी थोड़ी देर पहले आप जब नोट लिखवा रहे थे तो उसमें आपने ये लिखवाया था कि ये रिबेट एटी सेवन ए नहीं मिलता अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए ये लिखवाया था ना वहां पे और ये तो 112 वन वन है तो आप बोलोगे 112 और 112 है दोनों अलग-अलग है या सेम ही है राइट आंसर इज अलग-अलग है ये जो 112 वन वन है क्या होता है इसको अपन पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद बट 112 वन वन है क्या होता है कि जो शेयर मार्केट से कैपिटल गेन होता है ना शेयर बेचने से उसको बोला जाता है 112 वन ए वन इस पे सिर्फ 10% से टैक्स लगता है और नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जैसे घर बेचा ज्वेलरी बेचा, उससे जो रिबेट मिलेगा एटी सेवन ए का मैं इसलिए आपके मन में ये डाउट ना आए कि ये सर क्यों लिखा है टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवर इज लोअर तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं आप भी साथ साथ में करते जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर है पेज नंबर कौन सा दे रखा है वन अब एक बात बताइए इसकी टोटल इनकम कितनी है फोर लैख फोर लैख एटी थाउजेंड अब एक बात बताओ बट ये फोर लैख एटी थाउजेंड सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कुछ नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना इसके सामने आपको ढाई लाख का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिलता है तो आप क्या करोगे ये फोर लैख एटी थाउजेंड पे जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे ये किस किस के सामने मिलता है क्या मिलता है वो अपन थोड़े दिन बाद आप मुझे एक दो दिन और दे दीजिए आपको सब चीजें दिमाग में बैठेगी इसमें क्या होगा कि अप टू तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अपटू फोर लैख एटी थाउजेंड इस पर सीधा बीस परसेंट टैक्स लगता है आप बोलोगे सर अभी तो आपने बता रहे थे पांच परसेंट टैक्स लगता है अरे वो 5 rate, है। ये जो आता ना, ये दो टाइप ऑफ द टैक्स रेट बताई थी एक जनरल टैक्स रेट एक स्पेशल टैक्स रेट अब देखो ये जनरल टैक्स रेट कौन सी होती है जो अपन ने सीखी अभी तक ये स्पेशल टैक्स रेट में यहां पे मैंने लिखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बीस परसेंट से टैक्सेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए शेयर मार्केट वाला दस परसेंट से टैक्सेबल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन कुछ होता है वो पंद्रह परसेंट से टैक्सेबल होता है ये अपन पढ़ेंगे आगे तो आप ये समझिए यहां पे बीस परसेंट से सीधा टैक्सेबल कर देते हैं तो बीस परसेंट से टैक्सेबल करेंगे तो ढाई लाख से लेके फोर एटी तक जो भी आपका इनकम रहेगा उस पर आप लीजिए बीस परसेंट कितना आता है कितना फोर्टी सिक्स थाउजेंड तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड आया अब इसके सामने ले लीजिए आप रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए और एटी सेवन ए का रिबेट कैसे मिलेगा आपका टैक्स अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर एवरिज लोअर तो टैक्स अमाउंट फोर्टी सिक्स थाउजेंड और 12500 12500 लोअर है कितना बचा 33000 ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% कितना आया 34000 चलिए डन बोलिए डन आज मैंने जनरल टैक्स रेट बताई है सिर्फ जनरल टैक्स रेट की बात करते हैं और रिबेट की बात करते हैं कल से हम पढ़ेंगे स्पेशल टैक्स रेट उससे पहले आज अपन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं बोलो पढ़ना है इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में देखो ओल्ड सिलेबस में क्या था कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए अलग से टॉपिक दे रखा था अलग से टॉपिक था जैसे मैं आपको यहां पे देखिए आईसीआई की वेबसाइट पे जाता हूं और आईसीआई की वेबसाइट पे देखिए बीओ लाइव डॉट ओ आरजी आईसीआई की वेबसाइट पे गया और आईसीआई की वेबसाइट पे जैसे ही मटेरियल मैं पे क्लिक कर रहा हूं ओल्ड स्कीम पे ओल्ड स्कीम जो लास्ट में दिख रहा है ना देखो ना हाँ देखो बोलो दिख रहा है Old scheme पे मैंने क्लिक किया और मैं गया इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट में मैं इनकम टैक्स में स्टडी मटेरियल पे study material पे जो एक तीसरा टॉपिक हुआ करता था इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होती एग्जेप्ट हो जाती है इस टॉपिक में पहले एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जिक्र किया हो गया था जैसे ये फुल्ली एग्जाम इनकम में आप देखिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम यहां से एग्रीकल्चर इनकम टेन वन में और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता लगता है नहीं लगता टैक्स कौन ले सकता है एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर रखा है ये तीसरा टॉपिक हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में एग्रीकल्चर इनकम के बारे में न्यू सिलेबस में इन्होंने क्या किया पता है इस टॉपिक को हटा दिया तीसरा जो टॉपिक था उसको हटा दिया और हटा के और ये देखिए मैं टैक्सेशन वाले पे आ गया और टैक्सेशन में उन्होंने देखिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ़ टोटल इनकम जो तीसरा टॉपिक हुआ करता था उसको वहां से हटा के और उसके जो कॉन्सेप्ट को अलग 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 टॉपिक में डाल दिया तो अब, अब मैं पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक है ना नए सिलेबस इस में इसी में इन्होंने यहां पे एग्रीकल्चर इनकम को डाल दिया तो इसके लिए जब अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम ये एग्रीकल्चर इनकम कहां दे रखा है तो देखिए जैसे आपको अभी मॉड्यूल घर जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी पर ध्यान देना है और यहां पर आप देखोगे तो जैसे ही आपके एससी का डेफिनेशन कंप्लीट होता है इनकम का डेफिनेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में इन्होंने यहां पर एग्रीकल्चर इनकम यहीं पर

एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे मंडी में, में मैंने बेचा मजनू भाई को मजनू भाई ने वो पोटेटो जो है वो ठेले में डाला और वो बेच रहे पोटेटो ले लो पोटेटो ले लो तो किसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मेरी इनकम या मजनू भाई की इनकम तो ये कहां लिखा हुआ है भाई वो सीधी सी बात एग्रीकल्चर इनकम बोलेगे किसको वो तो पता होना चाहिए तो आप एक काम करिए अगर आपके पास आधा पेज या उससे कम बचा है तो अगले पेज पे चले जाइए और अगर आधे पेज से ज्यादा बचा है तो उसी पेज पे रहिए और सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए अपनी बुक में दैट इज एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम हेडिंग दे दीजिए एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम जो आपने हेडिंग दिया उसके बाद मैं, next line में नेक्स्ट लाइन में लिखिए ऐसा एच करके एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया shall बी एग्जेम्ट 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 का मतलब क्या होता है Exempt का मतलब किसको है exempt है. हा? बोलते हैं है, हां बोलते ना exempt एग्जेम्ट मतलब यू कैन से दैट इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे ठीक है तो exempt के ब्रैकेट में लिख लेंगे अपन नॉट टैक्सेबल तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया शेल बी एग्जेप दैट इज नॉट टैक्सेबल ड्यू टू सेक्शन सेक्शन टेन वन टेन वन को क्या बोलूंगा Subsection या क्लॉस इनकम टैक्स में सेक्शन टेन के साथ जो भी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे क्लॉस तो ये सेक्शन टेन वन में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम कर रखा है चलिए तो अपन ने पहली लाइन में लिखा कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया अगर देखो इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम हुआ ना वो ही है बांग्लादेश में जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो टैक्सेबल है अगर थाईलैंड में जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो टैक्सेबल है पाकिस्तान में जाके करता है तो टैक्सेबल है इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी की तो वो इनकम एग्जेम्ट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है अब एक बात समझना एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे किसको तो चलिए एक लाइन के लिखिए मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और उसमें आप वन बाय वन पॉइंट लिख लीजिए मैं इसको समझाऊंगा बाद में पहले एक बार लिख लीजिए आप लिखिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पॉइंट नंबर वन लिखिए इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पॉइंट नंबर टू लिखिए रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड दूसरा लिखिए रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ब्रैकेट में लिखिए दूसरे पॉइंट के ब्रैकेट में लिखिए यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तीसरा लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए रेंट ऑफ फार्म हाउस रेंट ऑफ फार्म हाउस एफ ए आर एम फार्म हाउस रेंट ऑफ फार्म हाउस ब्रैकेट में लिखिए यूज एज स्टोर हाउस यूज एज स्टोर हाउस एस टी ओ आर ई स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट डी डब्ल्यू ई एल एल आई एन जी ड्वेलिंग यूनिट यूज एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट ड्वेलिंग डी डब्ल्यू ई एल एल आई एन जी ड्वेलिंग यूनिट और चौथा लिख लीजिए इनकम फ्रॉम नर्सरी नर्सरी किसको बोलते हैं है? प्लांटेशन वगैरह बेचते हैं ना इनकम फ्रॉम नर्सरी इनकम फ्रॉम नर्सरी 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 होती है ना जो बनाते हैं नर्सरी पौधे वगैरह उगा के तो देखो यार जिस दिन मैंने पहले दिन बताया कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि हम तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे सीए बनने के बाद भी अल्टीमेटली हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही करेंगे क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं लगता तो एग्रीकल्चर इनकम बोलते किसको पहले तो ये बता दो ना सर तो चलो लॉ मेकर ने चार पॉइंट ऐसे डाले और बोला कि ये चार पॉइंट ऐसे है जो एग्रीकल्चर इनकम है सबसे पहला लिखा हुआ है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया अपने खेत में कुछ पोटेटो उगाए गेहूं उगाए बाजरा आपने उसको बेच दिया दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर है ये एग्जेम्ट हो जाएगी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो आपने कोई ग्रो किया प्रोडक्ट और ग्रो करके आपने उसको बेच दिया दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम है दूसरा ये लिखा हुआ है, अब एक बात है ना वो भी एग्रीकल्चर इनकम है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझने की कोशिश करना मैंने क्या किया मिस्टर बीबी अब मैं तो पढ़ाता हूं लेकिन मेरी एक एग्रीकल्चर लैंड है जो राजस्थान में है ये जो है एग्रीकल्चर लैंड ये मेरी राजस्थान में है अब ये राजस्थान की जो एग्रीकल्चर लैंड है ना ये मैं यूज नहीं कर रहा मैंने क्या किया एक बंदा है जिसका नाम है किसान और उस किसान को मैंने भाड़े पे दे रखा है किसान को मैंने रेंट पे दे रखा है और मैंने बोला कि तू भैया हर साल मुझे इसका दो लाख रुपया भाड़ा दे दे दो लाख रुपया भाड़ा दे दे दो लाख रुपया मुझे रेंट दे दे तो उसने मुझे दो लाख का रेंट दिया वो रेंट भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वो अब आप बोलोगे आप तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहा बट मैंने वो जो है खेत मेरा एग्रीकल्चर लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड अगर किसी को रेंट पे दे दी ना तो ये इसका जो रेंट मुझे आ रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो भी एग्जेमट है लेकिन बाबू ये किसान इस लैंड को यूज किस लिए कर रहा है पता है एग्रीकल्चर परपज के लिए एग्रीकल्चर परपज के लिए अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मान लो मैंने मेरी एग्रीकल्चर लैंड है ये शाहरुख खान को भाड़े पे दे दी एस आर के को भाड़े पे दे दी और वो वहां पे मूवी की शूटिंग कर रहा है वहां पे मूवी की शूटिंग कर रहा है आगे काजोल दौड़ रही है और पीछे शाहरुख खान दौड़ रहा है करके ठीक है उनके दोनों के बच्चे भी दौड़ रहे हैं ठीक है अब वो दौड़ रहे हैं दिल दीवाना है दिल पागल है वैसा वैसा कुछ हो रहा है करके ठीक है और इन्होंने मुझे भाड़ा दिया तो क्या वो भाड़ा मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं नहीं मतलब एग्रीकल्चर इनकम भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है कब जब आगे वाला बंदा है उसको किसके लिए यूज कर रहा है एग्रीकल्चर परपज के लिए अगर उसने एग्रीकल्चर परपज के लिए यूज कर रहा है वो किसान तो तो मुझे जो भाड़ा मिलेगा वो भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है अदरवाइज वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तीसरी चीज तीसरी चीज आपके पास अगर कोई फार्म हाउस है और फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दे दिया तो फार्म हाउस से इनकम होती है लेकिन फार्म फार्म हाउस हाउस भाड़े पे दिया किसको बोलते हैं है? कि जैसे ये तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड है बहुत बड़ी और इस एग्रीकल्चर लैंड के यहां पे आपने एक छोटा सा ऐसा घर जैसा स्टोर रूम वगैरह बना रखा है इसको बोला जाता है फार्म हाउस अब ये फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दे दिया तो इसका जो रेंट आएगा वो भी एग्जेक्ट है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन राजा ये फार्म हाउस किस लिए दे रहे हो क्या किसी को पार्टी करने के लिए दे रहे हो नहीं अगर आपने ये फार्म हाउस किसी को पार्टी करने के लिए दिया लोग आके वहां पार्टी कर रहे हैं दारू पी रहे हैं गाना गा रहे हैं चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है उसका भाड़ा मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ये फार्म हाउस आपने किसी को भाड़े पे दिया या तो स्टोर रूम की तरह जैसे मान लो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके बाजू में यहां पे भी कोई किसान है और वो किसान के वहां पे गेहूं की फसल फसल हुई या कोई बाजरा हुआ और उसको रखने के लिए जगह नहीं है तो जब उसके रखने के लिए जगह नहीं है आपने बोला कोई बात नहीं आप मेरे यहां पे रख लीजिए मेरे पास मेरा फार्म हाउस जो पड़ा है उसमें आप रख लीजिए आप मुझे उसका कुछ भाड़ा दे दीजिए तो उसने आपको कुछ भाड़ा दिया तो वो भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम है दूसरी चीज कि अगर मान लो या फिर मान लो यहां वर्कर रहते हैं जैसे मान लो बाजू में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसके वहां पे कोई वर्कर काम करते हैं वो बोलता है हमारे वर्कर को रहने के लिए चाहिए और जो वर्कर फार्म पे काम करते हैं एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं वो वर्कर को यहां पे रहने के लिए आपने दिया और उससे अगर कोई इनकम हुई तो वो एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है अगर अपन उसकी बात करें तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम में अभी तक हमने तीन इनकम देखी सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच दिया तो दूसरा एग्रीकल्चर लैंड का भाड़ा और तीसरा किसका भाड़ा फार्म हाउस का लेकिन फार्म हाउस किस लिए भाड़े पे दे रहे हो या तो स्टोर करने के लिए या एज अ ड्वेलिंग यूनिट ड्वेलिंग यूनिट का मतलब वर्कर वगैरह जो है जो फार्म पे काम करते हैं उनके रहने के लिए और उससे अगर कोई इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है उसके बाद नेक्स्ट है नर्सरी का इनकम अब एक बात समझना ये नर्सरी का इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है भले इसको आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नर्सरी का इनकम पूरा एग्रीकल्चर इनकम है और आजकल लोग इसका भी बहुत यूज कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट करने में क्या कर रहे हैं पता है छोटी मोटी नर्सरी सेटअप कर लेते हैं पी चिदम्बरम ने ऐसा कुछ हुआ था पहले केस लो आया था जिसमें करोड़ों रुपए की इनकम उसने बताई कि मेरी नर्सरी से हुई है और नर्सरी में तो एग्रीकल्चर लैंड की भी जरूरत नहीं है आप बोलते हो हम पौधे उगाते हैं उस पॉलीथिन में पौधे उगा के और थोड़ी देर बाद उसको बेचने चले जाते हैं और बेचने से इनकम होती है वो नर्सरी की इनकम वो एग्रीकल्चर फुल्ली एग्रीकल्चर फुल्ली एग्जेप है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एग्जाम्पल के लिए मान लो ये बंदा नाम क्या तुम्हारा अमन उमर।, उमर उमर तो उमर जो है उमर और उमर की वाइफ दोनों लोगों ने क्या किया कि मान लो इन्होंने नर्सरी चालू की अब इनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी इसके घर पे ही वो पॉलीथीन बैग लाए जिसमें वो मिट्टी डालते थे उसमें एक पौधा लगाते थे और उसके बाद साइकिल पे दोनों पौधे को बेचने जाते थे साइकिल पे बेचते थे करके ठीक है उमर है वो साइकिल चलाता था उसकी बीवी बोलती थी मैंगो ले लो ये ले लो वो ले लो ठीक है चंपा ले लो चमेली ले लो ये ले लो वैसे वो पौधे बेचते थे और 10 10 20 20 50 50 रुपए में पौधे बेचते थे इससे जो इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चर है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो कल से आप भी ये कर सकते हो करके ठीक है कि घर पे है वो पौधे उगाओ और पौधे उगा के मार्केट में बेचने जाओ ये एग्रीकल्चर इनकम है उस उसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दिस इज द एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं, नहीं लगता तो ये चार तरह की इनकम है जो एग्रीकल्चर इनकम है जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अब एक बात बताओ सर आपने बोला सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने बेचा तो एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बात बताओ जैसे मैं मेरी बात करता हूं पोटेटो समझते हो पोटेटो पोटेटो का मतलब क्या होता है आलू 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 ही होता है ना आलू हाँ तो आलू ले लो कांदा ले लो वाला ठीक है आलू तो मान लो ऐसा हो सकता है ना मैंने मेरे खेत में आलू उगाए आलू ग्रो किए और आलू दो तरीके हो सकते या तो आलू एज इट इज बेच दिए मैंने हाँ आलू एज इट इज मैंने बेच दिए तो तो क्या होगा सीधा एग्रीकल्चर इनकम होगा हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैंने सोचा आलू मैं बेचू क्यों मैं तो आलू से पहले चिप्स बनाऊंगा और चिप्स बना के मैंने बेच दी तो अब मुझे बताओ चिप्स बनाने की इनकम है वो एग्रीकल्चर होगी या नहीं आपको क्या लगता है एक होता है सुगर केन सुगर केन समझते हो तो सुगर केन मैंने बेच दिया तो तो एग्रीकल्चर इनकम होगी भाई अपने विदर्भ में जितने भी किसान सुगर कैन बेचते हैं एग्रीकल्चर इनकम है बट सुगर कैन से मैंने शुगर बना दी और सुगर बना के बेची तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं लेकिन उसकी कुछ इनकम तो एग्रीकल्चर होनी चाहिए नहीं आप मुझे बताओ मैं मेरे को नहीं पता आप मुझे बताओ एक बात बताओ मैं जो आलू बेचता हूं आलू एज इट इज बेच दिया तो तो एग्रीकल्चर इनकम आलू मैंने उगाए खेत में उसी से चिप्स बनाई मैंने टैक्सेशन चिप्स करके बेच दी टैक्सेशन चिप्स एक ऐसा चिप्स का इन्वेंशन था कि जिसमें एक साइड सेक्शन नंबर लिखी होती थी अब जैसे बच्चा है तो उधर लिखा होगा रिबेट ठीक है और अगर आपने रिबेट की साइड से देख लिया तो रिबेट तो दूसरी साइड में यह लिखा होगा वैसे है वो मतलब बच्चा खा लेगा चिप्स और खाते खाते पढ़ाई भी करेगा तो मुझे बताओ चिप्स बेचने से इनकम होगी आपको क्या लगता है वो पूरी एग्रीकल्चर होगी नहीं वो एग्रीकल्चर क्या पूरी बिजनेस होगी या कुछ एग्रीकल्चर होनी चाहिए उसमें आपको क्या लगता है हा? आप समझ रहे समझ रहे रहे हो हो मेरा डाउट ना भाई सिंपल सी बात है आप अपने आप को वहां रख के देख लो कि आपने खेत में पोटेटो उगाए पोटेटो एज इट इज बेच दिए होते तो, तो एग्रीकल्चर था सब आपने पोटेटो से चिप्स बनाई और चिप्स बना के बेच दी तो क्या पूरी एग्रीकल्चर होगी या पूरी बिजनेस होगी या उसमें कुछ एग्रीकल्चर और कुछ बिजनेस होगी हाँ कुछ एग्रीकल्चर कुछ बिजनेस आप एक और चीज समझते आपका खेत है आप आपका खेत ले लेते हैं आपका नाम क्या है श्रेय श्रेष्ठ बंदा है बहुत सीरियस बंदा है करके ठीक है लाइफ को लेके तो श्रेय का खेत है अब खेत पे भाई ने गन्ना लगाया करके ठीक है अरे तो गन्ना शुगर कैन को गन्ना ही बोलते हैं मैं कोई नया बोल रहा हूं वर्ड क्या बोलते क्या बोल रहे है? उस भाई साहब ऑनलाइन वाले बच्चों है ना तुम बिल्कुल है ना तुमको ना समझ में आए ना ऐसे कोई वर्ड उस उस तो छोड़ देना हो ठीक है हाँ तो भाई दो चीजें है ना एक तो होता है तो श्रेयस ने श्रेष्ठ के खेत में गन्ना लगाया अब या उस लगाया उस लगाया ठीक है अब या तो उसको बेच दे ठीक है या फिर उससे चीनी बना के बेच दे चीनी को क्या बोलते हो साकर बना के बेच दे करके ठीक है तो एक बात बताओ इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा ही एग्रीकल्चर या पूरा बिजनेस है आपको क्या लगता है पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस हाँ पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस या पूरा बिजनेस पूरा एग्रीकल्चर आप केस को समझ गए श्रेयस ने गन्ना लगाया गन्ने से उस ल, हाँ, उस लगाया ठीक है ए ऑनलाइन वाले नहीं समझते ना उस 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 के कुछ भी बोल रहे हो तुम तो उसने पोटैटो हाँ पोटैटो ठीक था ठीक ए, गन्ने पे क्यों जा रहे हो ठीक है हाँ हाँ बटाटा हाँ बटाटा इसीलिए यहाँ पे बटाटा बड़ा बोलते हैं ना अब समझा मुझे बटाटा ये भाई आलू लगाया ठीक है एक बार में जो बोलना है बोल दो ना आलू बटाटा या हाँ चलो अपने काम पोटेटो बोलते हैं थोड़ा सोफेस्टेट लगेगा ठीक है हाँ पटेटो या पोटेटो कुछ भी बोल दो कुछ कुछ ये बोलती है पटालो ठीक है यार हाँ। वो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते हैं पुणे वाले बच्चे आपको बिगाड़ देंगे ध्यान रखना करके ठीक है नहीं नहीं ऐसा नहीं है करके ठीक है हाँ हाँ अच्छे लोगों साथ रह के साथ <laughs> के ये भी सुधर जाएंगे <laughs> चलो इधर देखो आप लोग तो अपन बात कर रहे हैं। आप मेरा डाउट समझे ना कि पोटेटो उगाया पोटेटो सीधा बेचा होता तो, तो एग्रीकल्चर पोटेटो से चिप्स बना के बेचा आपको क्या लगता है एक तो ये हो सकता है कि नहीं सर ये भी पूरा एग्रीकल्चर रेज योर हैंड कितने लोग बोलते हैं पूरा एग्रीकल्चर कोई आप बोल रहे हो कि पूरा एग्रीकल्चर वेरी गुड कितने लोग बोलते हैं पूरा बिजनेस पूरा बिजनेस सर ऐसा थोड़ी होता है पूरा बिजनेस ये पूरा बिजनेस कर रहे हो आप चलो तो पूरा बिजनेस वाले पांच परसेंट है कितने लोग बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस वेरी गुड नाइन्टी फाइव परसेंट लोग बोल रहे हैं 95% परसेंट लोग बोल रहे हैं कि इसमें सर जो है वो पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस लास्ट लेक्चर में तो मेजॉरिटी वाले हारे थे इस बार देखते हैं इस बार मेजॉरिटी वाले जो है वो जीत गए लॉजिकली है ना यार लॉजिकल चीज है ना आप एक बात बताओ आप पोटेटो उगाते हो पोटेटो बेचते तो, तो एग्रीकल्चर होता पोटेटो से चिप्स बना के बेचती तो पूरा एग्रीकल्चर तो गलत है पूरा बिजनेस भी गलत है कुछ एग्रीकल्चर रखो कुछ बिजनेस रखो अब कैसे डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एक रूल बनाया गया इधर ध्यान देना सब लोग आप लिखना मत पहले बोर्ड पे ध्यान देना पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा ठीक है तो इनकम टैक्स में एक रूल होता है दैट इज रूल नंबर रूल नंबर सेवन करके और ये रूल नंबर सेवन है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अगर आप सेल करते हो तो क्या होगा तो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके रूल है रूल नंबर सेवन कुछ मत लिखना आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो इधर सब लोग इधर ध्यान देते जाओ आपको सब समझ जाएगा तो अगर मैं सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करूं तो इसमें दो पार्ट सबसे पहले आप अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल कर देते हो सेल इन रॉ फॉर्म किसको बोलेंगे रॉ फॉर्म में आपने सेल कर दिया करके ठीक है क्या बोलते हैं मराठी में क्या बोलते हैं सेल इन रॉ फॉर्म को कच्चा बेच दिया सेल इन रॉ फॉर्म भाई मैं नहीं बोल रहा ठीक है तो सेल इन रॉ फॉर्म रॉ फॉर्म में बेच दिया अब यहां पे अगर मान लो रॉ फॉर्म में बेच दिया सेल इन रॉ फॉर्म तो आप मुझे एक बात बताओ आपकी टोटल इनकम एग्रीकल्चर ही होगी तो आपकी जो टोटल इनकम है एग्रीकल टोटल इनकम एग्रीकल्चर टोटल इनकम आपकी एग्रीकल्चर है एक तो रॉ फॉर्म में बेचा दूसरा यह हो सकता है कि नहीं नहीं रॉ फॉर्म में नहीं बेचा हमने कोई फर्दर प्रोसेस करके बेचा तो आपने क्या किया सेल आफ्टर प्रोसेस आपने कुछ प्रोसेस करके बेचा रॉ फॉर्म में जैसे पोटेटो है रॉ फॉर्म में बेच दिया तो, तो पूरा एग्रीकल्चर इनकम दूसरा नहीं नहीं आपने तो क्या किया कुछ प्रोसेस करके बेचा अब एक बात समझना आप अगर कोई प्रोसेस करके बेच रहे हो तो प्रोसेस में दो पार्ट सबसे पहले जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो जरूरी है ए प्रोसेस प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल ए प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल ऐसा हो सकता है ना कभी कभी प्रोसेस करना जरूरी है सेल करने के लिए उस प्रोसेस के बिना सेल होगा ही नहीं जैसे आप एक मुझे बात बताओ आपने दाल खाई दाल दाल तो खाते होंगे सब लोग हाँ दाल किससे बनती है मूंग से जो मूंग होता है वो आपको क्या लगता है जो ब्लैक कलर का मूंग देते हैं ग्रीन कलर का आपको क्या लगता है पेड़ पे ही ऐसे ही लग जाता है क्या क्या ऐसे ही ऐसे ऐसे झापट मारी उसको और नीचे गिर गया बोला दे दो मूंग आया चलो बनाओ दाल बनाओ खाओ ऐसा होता है क्या नहीं इसमें कैसा होता है आपने देखा होगा कि जो मूंग बनता है ना मूंग सबसे पहले एक फली आती है इतनी बड़ी मूंगफली नहीं मूंगफली इज डिफरेंट नहीं तो ये लोग क्या ज्वाइंट कर लेते हैं ठीक है मूंग और अभी इन्होंने फली बोला तो ये मूंगफली की बात कर रहे होंगे नहीं जो मूंग होता है वो एक तो ग्रीन कलर की आपने बीन्स खाई होगी घर पे तो वही जब थोड़ी पक जाती है थोड़ा और ज्यादा उस पर धूप वूप गिरती है तो ब्लैक हो जाती है पूरी अब वो ब्लैक होती है वो एज इट इज मार्केट में नहीं बिकती एज इट इज अगर उसको ब्लैक को तोड़ के उस पौधे से और मार्केट में बेचने जाए तो कोई नहीं खरीदता उसको क्या करना पड़ता है पहले क्रश क्रश करना पड़ता है 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 उसको क्रश किया जाता जाता थ्रेशर में डाला जाता है। और थ्रेशर में डालने के बाद उसमें से मूंग निकलते हैं और वो मूंग फिर मार्केट में बिकते हैं तो मुझे बताओ वो जो मूंग की एक फली थी उस फली से मूंग निकाला और मूंग निकाल के मार्केट में बेचा ये प्रोसेस कंपलसरी था कि नहीं था था कंपलसरी तो मुझे बताओ ये प्रोसेस अगर कंपलसरी था तो ऐसा बोलू कि अगर उसको मूंग को बेचने से भी जो इनकम होगी वो टोटल एग्रीकल्चर इनकम ही होगी हाँ टोटल एग्रीकल्चर इनकम होगी तो जो मूंग को बेचने से जो इनकम हुई वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि वो प्रोसेस कंपलसरी थी लेकिन अगर मान लो आप कोई ऐसी प्रोसेस करते हो जो ऑप्शनल है अगर आप कोई ऐसी प्रोसेस करते हो जो ऑप्शनल है प्रोसेस इज ऑप्शनल मुझे एक बात बताओ जो पोटेटो है वो पोटेटो मार्केट में बिकता है कि नहीं पोटेटो मार्केट में बिकता है कि नहीं यस और नो आप अगर उस पोटेटो से चिप्स बना रहे हो ये प्रोसेस ऑप्शनल है या कंपलसरी है आपकी मर्जी अभी क्यों बना रहे हो पोटेटो बिकता है ना तो पोटेटो बेच दो ना क्यों बना रहे हो आप लेकिन आप तो भी प्रोसेस करके बेच रहे हो जो ऑप्शनल प्रोसेस है या सुगर कैन जो है वो सुगर कैन मार्केट में बिकता है तो सुगर कैन अगर मार्केट में बिकता है तो फिर आप यार सुगर कैन बेच दो ना क्यों सुगर बना के बेच रहे हो तो आप ऑप्शनल प्रोसेस कर रहे हो तो लॉ मेकर बोलते हैं कि इस केस में अगर मान लो आपकी प्रोसेस है वो ऑप्शनल है आप ऑप्शनल प्रोसेस करके बेच रहे हो तो इसमें आपकी पार्टली इनकम है वो एग्रीकल्चर होगी पार्टली इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी और बेटा पार्टली इनकम ऐसी है जो आपकी बिजनेस इनकम होगी कुछ इनकम ऐसी होगी जो आपकी बिजनेस इनकम होगी और कुछ इनकम ऐसी होगी जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी लेकिन सर कैसे कि कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी बिजनेस है कैसे डिसाइड करें करके ठीक है तो आप एक काम करो ना मैं फिर एक एग्जांपल लूंगा पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं एग्जाम्पल लूंगा लॉमेकर बोलते हैं कि आप एक काम करिए एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए सबसे पहले ले लीजिए एफ एम ऑफ एफ एम मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस भाई जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसी पॉइंट पे ले लो कि अगर मार्केट में जाके बेचते तो कितना पैसा आता और माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके जो कल्टीवेशन के वगैरह खर्चे थे वो आप माइनस कर दो आपके पास में ये जो इनकम बचेगी ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड बाबू अब बिजनेस की इनकम कैसे निकालना तो बिजनेस की इनकम निकालने के लिए आप एक काम करो सबसे पहले ले लो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो आप चिप्स बेच रहे हो वो कितने में बेच रहे हो इसमें से माइनस कर दो एक तो एफ एम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एफ एम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने खुद का यूज किया था और माइनस कर दो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट माइनस कर दो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा इन दोनों चीजों को माइनस कर दो तो आपको यहां पे मिल जाएगा आपका पीजीबीपी का इनकम पीजीबीपी मतलब बिजनेस का इनकम एक एग्जांपल लेंगे एग्जांपल से सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए अपन एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बाद में आप कॉपी करिएगा कोई दिक्कत नहीं एक बंदा लेते हैं जिसका नाम है एक बंदा है जिसका नाम क्या नाम रखिए किसका नाम किसान किसको बनना है बोलो देवांश तुम्हारा नाम है तो इसका बाजू वाले का नाम क्यों बोलता है तू भाई खुद का नाम बोल दिया कर तुम्हारा नाम क्या है मीत ना हाँ तो कितना बढ़िया नाम है मीत कोई मिलने वाला है नहीं तुम सुबह, एक बंदा है जिसका नाम है मीत क्या नाम है मीत और है। क्या है मीठ हाँ, एक बंदा है जिसका नाम है मीठ करके ठीक है एक बंदा है उसका नाम है मीट और ये किसान है करके ठीक है ये किसान है इसने क्या किया इसने मीट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस वन थाउजेंड पोटैटो इसने पोटेटो प्रोड्यूस किए एक हजार टन करके ठीक है खेत में तो इसने क्या किया मीट प्रोड्यूस वन थाउजेंड टनस ऑफ पोटेटो और इसका जो कॉस्ट आया था वो कॉस्ट मान लो सत्तर हजार रुपया आया था सत्तर हजार कॉस्ट आया था किस चीज का जो कल्टीवेशन वगैरह किया होगा तो कल्टीवेशन सीड्स लगाया होगा पानी दिया होगा ट्रैक्टर से खुदाई की होगी वगैरह जुताई की होगी जो भी है तो उसका सेवेंटी थाउजेंड का कॉस्ट आया था अब एक बात बताओ मतलब अब है ना एक बात बताओ बंदा कुछ बोले ही नहीं बंदा कुछ बोले ही नहीं मेरे को अब है ना पढ़ाने के लिए मेरे को वर्ड पहले ढूंढ के आने पड़ेंगे ठीक है हाँ इसलिए मैं रॉ फॉर्म में तो मैं बोला ही नहीं हिंदी में ठीक है रॉ फॉर्म ही रखा तो प्रोड्यूस 1000 टन ऑफ पोटेटो कॉस्ट जिसका 70000 आया अब एक बात समझना इसने क्या किया ये जो 1000 टन पोटैटो थे 1000 टन पोटैटो में से 200 टन पोटैटो तो रॉ फॉर्म में ही बेच दिया 200 टन्स सोल्ड इन रॉ फॉर्म फोर सेलिंग प्राइस इज वन लैख थर्टी थाउजेंड मतलब इसने वन लैख थर्टी थाउजेंड में दो सौ टन पोटेटो मार्केट में बेच दिया सीधा मार्केट में बेच दिया लेकिन आठ सौ टन का जो पोटेटो था आठ सौ टन वो इसने फर्दर प्रोसेस किया फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस, और फर्दर प्रोसेस करके और उसका फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आया मान लो तीन लाख रुपए का और उसके बाद में इसने उससे चिप्स बनाई और चिप्स बना के चिप्स को सेल कर दिया पंद्रह लाख रुपए में अब आप अगर मैं बताऊं आप अगर बिना कुछ दिमाग लगाए अगर मैं आपको एक मिनट का टाइम दूं और आप मुझे ये बताओ कि मीद की एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी और बिजनेस इनकम कितनी होगी जस्ट यूज योर माइंड्स आप अपने माइंड को यूज करो मिस्टर आप एक बार अपने दिमाग को यूज करो एक मिनट लो पूरा मेरा क्वेश्चन को समझ लो कि मीट ने क्या किया अपने खेत पे एक हजार टन पोटेटो प्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट था कल्टीवेशन का वगैरह सत्तर हजार दो सौ टन सीधा मार्केट में बेच दिया एक लाख तीस हजार में और आठ सौ टन से चिप्स बनाया चिप्स बनाने का खर्चा तीन लाख आया और चिप्स बेच दी बाद में पंद्रह लाख में अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए कैसे एग्रीकल्चर इनकम और कितना बिजनेस इनकम ट्राई आप एक बार आराम से दिमाग लगा के बताओ कि कितना एग्रीकल्चर इनकम और कितना बिजनेस इनकम चलो तो जो भी जिसका जो आंसर आया उसके हिसाब से ऑनलाइन वालों इधर देखो ऑनलाइन वाले और जो बाजू के क्लास में बैठे हैं वो भी तुम लोग हाथ वात छोड़ो ये पास में जो बैठे हो एक दूसरे के आ, नहीं हाथ नहीं अब नहीं बेटा वो पकड़ने की ये जाएगी अभी नहीं ये सच में पीछे दिख रही है मैं ऑनलाइन वाले उस क्लास में बैठे उनकी बात कर रहा हूं बेटा हाथ नहीं हाँ बिल्कुल नहीं हाँ चलो मैं आपको यह सॉल्व कराता हूं अगर 1000 टन पोटेटो बोए थे और उसकी कॉस्ट आई थी सत्तर हजार रुपए के खर्चे थे इसमें से 200 टन पोटेटो रॉ फॉर्म में बेच दिया तो मुझे बताओ ये 200 टन पे जो इनकम आया होगा नेट इनकम वो पूरा एग्रीकल्चर है तो एक बात बताओ मैं अगर इस रूल के हिसाब से जाता हूं सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल इन द रॉ फॉर्म रॉ फॉर्म की बात करूं तो बेटा रॉ फॉर्म में टोटल एग्रीकल्चर इनकम होगी तो मुझे एक बात बताओ उसने कितना पोटेटो रॉ फॉर्म में बेचा है हाँ तो मैं बोलूं कि 200 टन पोटेटो है वो उसने रॉ फॉर्म में बेचा और कितने में बेचा एक लाख तीस हजार में हाँ और इसकी प्रपोर्शनेट कॉस्ट कितनी आई होगी तो मैं बोलूं आपका सत्तर कॉस्ट है वो एक टन की थी तो 200 टन की प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आई होगी थाउजेंड आई होगी तो भाई फोर्टीन थाउजेंड अगर आप इसमें से लेस कर देते हो तो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई एक लाख सोलह हजार इनकम हो गई हां भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को अब एक बात बताओ आपने प्रोसेस करके और बेचा आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है ऑप्शनल है या मैंडेटरी है ऑप्शनल प्रोसेस है मैंडेटरी है नहीं ऑप्शनल है आप ऐसे भी पोटेटो बिकता था आपकी ऑप्शनल प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा जब ऑप्शनल प्रोसेस है तो कुछ पार्ट एग्रीकल्चर होगा कुछ पार्ट बिजनेस होगा एग्रीकल्चर कितना होगा तो देखो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप लॉजिकली सोचो यहां 1000 टन पोटेटो में से 800 टन पोटेटो फर्दर प्रोसेस कर रहे हो अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते और आप यहीं पे पोटेटो बेच देते तो आप मुझे बताओ कितने में बेचते 800 टन 800 टन कितने में बेचते आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि आपने 200 टन एक लाख तीस हजार में बेचा तो 800 टन भी तो वहां पे बेच सकते थे फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो मैं ये बोलू ये फेयर मार्केट वैल्यू आ गई पोटेटो की जिस दिन अगर बेचते यहीं पर आप चिप्स बनाते ही नहीं आप अगर मार्केट में यहीं पे बेच देते उस पोटेटो को फर्दर प्रोसेस नहीं करते और पोटेटो को बेचते तो कितना पैसा आता कि 200 टन का एक लाख तीस हजार सेलिंग प्राइस है तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी होती फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो बेटा आपको देखो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए यहां पर मैंने लिया फाइव है ये आपकी फर्दर प्रोसेस जो आप पोटेटो कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली मैंने क्या लिखा है एफ एम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस मत करो फर्दर प्रोसेस वहीं पे बेच दो अगर बेचते तो कितना फाइव ट्वेंटी आता और उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी थी कल्टीवेशन की कॉस्ट आठ सौ टन की कितनी थी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड क्योंकि सत्तर हजार हजार टन की थी तो आठ सौ टन की कितनी आ गई फिफ्टी तो यहां पे मैंने फिफ्टी सिक्स थाउजेंड को लेस कर दिया तो बचेगा कितना फोर लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं पता है मैं ये बोल रहा हूं मैं ये मान रहा हूं कि चलो हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते यहीं पे पोटेटो को बेच दो तो यहीं पे पोटेटो को बेचते तो ये रेट में नॉर्मली बेचते क्योंकि मार्केट में इस रेट में भी कहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होती माइनस इसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट जो बचता वो का। अब आप एक काम करो आपने तो फर्दर प्रोसेस किया तो ये फर्दर प्रोसेस वाला जो प्रोसेस है इसको मान लो ये पूरा तुम्हारा बिजनेस है अब अलग से ये मान लो कि ये बिजनेस है ये मान लो ये बिजनेस है अब एक बात समझना अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में अब इनकम कितनी आएगी तो लॉजिकली सोचिए सेल प्रोडक्ट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मैंने चिप्स कितने में बेची पंद्रह लाख में हाँ भाई मैंने जो चिप्स बेची वो चिप्स पंद्रह लाख में बेची तो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है ये पंद्रह लाख आ गया मैंने बेटा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना लगाया था तीन लाख तो तीन लाख मेरा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा अब एक बात बताओ ये तो पोटेटो मेरा खुद का था मतलब खुद ने ग्रो किया था इस बंदे ने अगर खुद ग्रो नहीं करता बिजनेस करता तो मार्केट से खरीदता और मार्केट से कितने मैं खरीता? 5, 20, तो यही आएगा तो नेट एग्रीकल्चर का इनकम कितना आया पता एक तो ये वाला और एक ये वाला ये एग्रीकल्चर का इनकम और ये तुम्हारा बिजनेस का इनकम तो देखो जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करते हो तो आपकी इनकम कैसे होगी दो पार्ट अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में बेच दिया रॉ जैसा था वैसा बेच दिया तो तो पूरा एग्रीकल्चर आपने फर्दर प्रोसेस किया आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस जरूरी है या ऑप्शनल है अगर प्रोसेस सेल के लिए जरूरी है तो तो जो प्रोसेस करने के बाद भी बेचा वो एग्रीकल्चर है बट प्रोसेस ऑप्शनल है तो दो पार्ट में एक एग्रीकल्चर एक बिजनेस एग्रीकल्चर कितना होगा फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो ले लो माइनस उसका कल्टीवेशन का कितना था ले लो वो एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने इधर बेच दिया होता तो अब आप बिजनेस में आओ बिजनेस में आप क्या करते फाइनल चिप्स कितने में बेचा माइनस करिए चिप्स बेचा फाइनल कितने में बेचा उसमें से माइनस करिए कि अगर मान लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से खरीदते वो पोटेटो तो कितने में खरीदते और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है वो लेस कर दो आपको मिल जाएगा एग्री सॉरी बिजनेस का इनकम एक काम करिए इसको पहले आप एज इट इज कॉपी करिए एग्जाम्पल चाहिए तो पहले कॉपी कर लीजिए आप एग्जाम्पल ये पहले कॉपी करिए फिर रूल सेवन पूरा कॉपी करिए हाँ फिर मैं आपके डाउट लेता हूं पहले ये कॉपी करिए नहीं तो रह जाएगा आपका या फिर आपने कॉपी कर लिया होगा नहीं किया ना कॉपी नहीं करना हाँ नहीं बिल्कुल नहीं कॉपी किया तो मैं सच्ची डैश पे डैश हो जाएगा ठीक है आपको जो कॉपी किया उसके डैश पे डैश करके ठीक है आप इधर देखो अभी तो बैठो और फटाफट कॉपी करो पहले ये एग्जांपल करो ऑनलाइन वालों तुम भी हाँ हाँ ये फोर पॉइंट जो लिख लिए उसके एक लाइन बाद ये एग्जांपल लिखो मिस्टर मीट प्रोड्यूस वन टन ऑफ पोटेटो जिसका कॉस्ट सेवेंटी है उसके बाद लिखो यहाँ पे दो टन सोल्ड इन द रॉ फॉर्म और 800 टन फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इज थ्री लैख एंड चिप्स बेचा पंद्रह लाख में ऐसा कॉपी करो हाँ बेटा हाँ ये हुआ क्या सर एक बार प्रगति गुप्ता बोलो डान अरे बोलो डान चलो इसके बाद इसको कॉपी करो अच्छा फुल स्क्रीन क्या इसको गाय पालन टैक्सेबल दूध का इनकम टैक्सेबल दूध बकरी भेड़ बकरी भेड़ का प्रमुख तो बकरी का ठीक है सब टैक्सेबल गाय दूध का इनकम टैक्सेबल है दूध का इनकम बहुत में भेड़ पाले भेड़ की ऊन बेचो वो एडेड से नहीं Okay, that's it. That's it. जीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इट्स बिजनेस इनकम हाँ भाई एक है ना बच्चों का यह डाउट आ रहा है पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ऑनलाइन वालों प्रोफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मैं जब भी बिजनेस की इनकम आएगी ना वहां हर जगह वर्ड में पीजीबीपी वर्ड यूज करूंगा पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अच्छा दूसरी चीज एक बच्चों का यह डाउट आ रहा है मान लो मैं हूं ना मैं एक एपीएमसी जो मंडिया होती है उसमें एजेंट होते दलाल या जिसको आप बोलते हो डीलर वो क्या करते हैं कपास खरीदा और कपास बेच दिया गन्ना खरीदा गन्ना गन्ना बेच दिया तो क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चर होगी या नहीं यस और नो क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चर है जो डीलर है ट्रेडर है क्या उसकी इनकम एग्रीकल्चर है या नहीं है यस और नो यस और नो फैजान भाई हाँ, जो डीलर है वो डीलर सिर्फ मान लो कपास है कॉटन है कॉटन खरीदा कॉटन बेच दिया किसान से लिया आगे बेच दिया तो क्या उनकी इनकम एग्रीकल्चर है या नहीं कितने लोग बोलते हैं उनकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है रेज योर हैंड मीन्स उनका तो पूरा ट्रेडिंग बिजनेस है वेरी गुड कितने लोग बोलते हैं उनकी इनकम भी एग्रीकल्चर है रेज योर हैंड राइट आंसर इज डैश पे डैश ठीक है हाँ. अगर ये आंसर चेंज किया तो पर तुमने हाथ इतना बड़ा खड़ा किया है ठीक है हाँ तुमने और ये चुटकी ने भी हाथ खड़ा किया है हमको पता है हाँ चलो तो जिन जिन लोगों ने बोला के सर डीलर जो है उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर है ऑल आर ईडियट्स और जिन्होंने बोला क्या उसकी इनकम तो बिजनेस की है दे ऑल आर जीनियस देर जीनियस ताली खुद के लिए नहीं एक अब लॉजिकली सोचो ना आर, यार उसकी कैसे एग्रीकल्चर इनकम होगी यार ऐसे तो तुम कल के बोर्ड किराने की दुकान है मैं वो पोटेटो भेज रहा है ठीक है तो किराने की दुकान वाले की इनकम एग्रीकल्चर थोड़ी हो गई यार अरे भाई प्रोसेस तो किराने की दुकान वाला प्रोसेस करता है को क्या मतलब इंजेक्शन लगाता है वो आलुओं को काट के बेचता है तू तो बोलेगा थेले वाले फ्रूट वालों की सबकी इनकम फिर एग्रीकल्चर हो गई नहीं वो सब बिजनेस है एग्रीकल्चर इनकम उसी की होती है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रो करता है क्या करता है ग्रो मतलब उसने खुद ने खेती की है उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है ठीक है चलो अब अपन एक काम करते हैं क्वेश्चन पे एक काम करते हैं तो बोला नहीं करेंगे बाबू फीस दिया तो भी जो तो मैं बोलूंगा वो ही होगा ना चलो तो एक काम करते हैं टॉपिक नंबर वन में ही मैंने एक अलग ही सेगमेंट करके दिया है एग्रीकल्चर इनकम करके क्वेश्चन नंबर से अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करिए कोई दिक्कत नहीं अरविंद कुमार तुम्हारा दिखता है कमेंट अभिषेक आदित्य अगर रेंट पे लैंड दी है तो यस ये पेज नंबर आपका है पेज नंबर टू पेज नंबर टू नहीं फोर 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 सॉरी फोर पेज नंबर फोर एक क्वेश्चन नंबर टू है देखिए क्या दे रखा है सब लोग इधर देखिए सब लोग क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर है फोर नहीं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है और क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है बुक कब मिलेगी बुक आज सबको डिस्पैच हो चुकी है पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगी दो तीन दिन में ठीक है तब तक मैं यहां पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो आप यहां से देखिए बुक मिलने के बाद बुक से देखना हा? चलो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो ठीक है पाप लगेगा एक दिन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर एटीन आपकी नोटबुक का पेज नंबर यहां पे लिखोगे अगर आपके पास बुक आ गई है तो नहीं आई तो कोई बात नहीं आप नोटबुक में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखोगे मिस्टर बी ग्रो सुगर कैन एंड यूजेज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुगर बंदा सुगर कैन को ग्रो करता है शुगर कैन समझते हो ना क्या उस, उस,

तो वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम है एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच उसका कल्टीवेशन का खर्चा लाख आया था तो नेट एग्रीकल्चर इनकम पे मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इजी टू लैख अगर उस बैलेंस वाले सुगर केन को मार्केट में बेचने जाता तो ट्वेंटी टू लैख में बेचता होगी ठीक है

इसमें स्पेसिफिक दे रखी है तो स्पेसिफिक वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेने का तो चलिए हम चालू करते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर फोर बंदा कौन है मिस्टर बी प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस असेसमेंट चौबीस पच्चीस क्या हुआ बोलते पहले आप किंडर गार्डन में पढ़ाते थे हाँ उसमें क्या हुआ तो तुम उनसे कोई कम नहीं हो तुम भी वैसे ही हो तुम्हारे लक्षण तो वैसे ही है लक्षण समझते हो लक्षण लक्षण तो चलो अपन सबसे पहले निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑनलाइन वाले फेजान भाई या कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हाँ तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहला तो सेल ऑफ सेल ऑफ सुगर कैन इन रॉ फॉर्म अरे लिखो लिखो तुमको भी लिखना है देखो मत तुम लोग हंस क्यों रहे हो यार मेरे को शर्म आ रही है पता है ऐसे हंसते है मेरे को लगता है यार मैं मुंबई से आया मतलब मेरे पर तुम हंसोगे माइनस मैं मैंने बात ही नहीं करूंगा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कल्टीवेशन कल्टीवेशन फाइव लाख तो एक तो ये पूरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया नहीं वो थर्टी परसेंट का ही दे रखा है हाँ देखो एक बार फाइव <laughs> लैख जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो थर्टी परसेंट का ही दे रखा है ये मैं हाँ अपनी बोलूंगा ठीक है ये लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं करके ठीक है मेरी मजाक उड़ा रहे हो मैं नहीं बोलूंगा आप ठीक है अरे ये तो छोटे बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं ना सुगर गेन। फर्दर प्रोसेसर कैन फर्दर प्रोसेस कितने किए थे उसमें अपन लेंगे ऑफ कैन फर्दर ये देखो ये कैलकुलेटर गिरा रहा है बाबू अरे बाबू का मतलब तो बाबू तो बच्चों को बोलते हैं ना नहीं बोलते किसको बोलते हैं महिला मित्र को बाबू बोलते हैं हाँ? ओ है एंड माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना दे रखा है फोर्टीन लैख दे रखा है उसका सेवेंटी परसेंट का बाबू भी ना बोलो इनको बस अब तो एट लैख आ गया तो ये आपका टोटल एग्रीकल्चर इनकम इस फाइव लैख प्लस एट लैख राइट थर्टीन लैख आएगा कैलकुलेटर से भी सेम आएगा देखो एक बार मैं मजाक उड़ा रहे हो मैं, मैं मेरी मैं मतलब मैं मेरी मम्मी को जाकर कंप्लेन करूंगा ऐसे बंदे की मजाक उड़ाते हैं बंदे को बोलते तुम बाबू मत बोलोगे ठीक है तो बाबू तो अच्छा वर्ड है ना उल्टा कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम को अपन शॉर्ट में हर बार पीजीबीपी बोलेंगे बिजनेस इनकम तो बिजनेस इनकम में सबसे पहले बिजनेस इनकम निकालेंगे एफ एम वी सॉरी सेल ऑफ शुगर सेल ऑफ साकर कितने पे बेचा ट्वेंटी फाइव लैख में बेचा था जिनके पास बुक है वो बता दो ट्वेंटी फाइव लैख इसमें से क्या क्या लेस होगा एक तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस होगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और दूसरा लेस होगा एफ ऑफ सुगर केन यूज एफ एम बी ऑफ सुगर केन यूज बाईस लाख जो एफ इधर एग्रीकल्चर इनकम में यह लिया था एज एट इज यहां पे ले लीजिए तो कितना आया वन लैख वेरी गुड ये आया पीजीबीपी का इनकम ये आया पीजीबीपी का इनकम ऑनलाइन वालों बच्चों ओ बोलता है सर बाबू सोना निब्बा निब्बी कहते हैं सर मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है बेटा सब शो हो रहा है हाँ एफ का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू का मार्केट वैल्यू क्या है उसकी हमें भी चाहिए फैजान भाई जैसी इज्जत ओ फैजान भाई किडनैप करते ऐसी इज्जत चाहिए तुमको हाँ सर मेरी चैट इग्नोर करते हो तुम क्या गर्लफ्रेंड हो क्या बोलता है मेरी चैट इग्नोर करते हो ठीक है तुम पढ़ाई में ध्यान दो बाबू हाँ भाई साहब ये जो एज होती है ना जो तुम्हारी एज है इस एज में बच्चे बहुत सारे प्यार में पड़ जाते हैं ठीक है थीके? तो मैं बोलता हूँ मत पढ़ना अगर इस एज में पेड़ पड़ गए प्यार में बाहर ही नहीं निकल पाओगे और इतना सोचोगे इतना सोचोगे करके ठीक है कुछ टाइम पहले क्या हुआ क्या एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भाई साहब कुछ दिनों पहले मतलब कुछ दिनों पहले के चार पांच महीने हो गए तो एक मेरे पास इंटर का बच्ची का कॉल आया मेरे पास ठीक है और बोलती है कि सर है ना मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों नहीं हो रही तो बोलता है सर मेरा एक रिलेशनशिप है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो बड़ा टॉक्सिक हो गया है करके ठीक है बंदी का लेवल देखे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मैं एक बार तो बोलने वाला था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चारों खुश रहते हैं ठीक है अभी ये दूसरी को समझा रही है ये चार कहां से आए <laughs> ये दूसरे ये समझा रही है कि चार कैसे हुए रिलेशनशिप में तो दो ही होते हैं <laughs> तो उसने उसने मुझे बोला कि सर मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें सर बड़ा टॉक्सिक हो गया है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो झगड़ हम बात करते हैं थोड़े दिन फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मैंने उसको बोला कि देख बेटा अभी तेरे लिए ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना तो तू पढ़ाई कर और मैंने कहा उसका नंबर तू तो डिलीट कर लेना मैं यही बोलूंगा नंबर डिलीट कर ले कॉन्टेक्ट मत कर तो बोलता नंबर तो सर उसका याद हो गया है ना अब एक और यहां से एक मैसेज निकल के आता है प्रोविजन ये सेक्शन बोलती है कि नंबर याद मत किया करो <laughs> तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर नंबर डिलीट होकर कम नहीं होता है तेरे से मोबाइल स्विच ऑफ करके और अपनी मम्मी को दे दे बड़ा लॉजिकल चीज बोली मैंने पढ़ाई में ध्यान दे दे दो महीने एग्जाम के रहे मोबाइल को स्विच ऑफ कर अपनी मम्मी को दे दे उस बंदी ने जो बात बोली ना वो मेरे को आज तक डाइजेस्ट नहीं हुई वो बोलती है कि सर है ना मैं मम्मी को मोबाइल तो दे दू मैं मोबाइल उससे बात भी ना करूं मोबाइल स्विच ऑफ करके मम्मी को दे दू बट उसको मेरी जरूरत पड़ गई तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कैसे करेगा मैं सोचू, तेरी जरूरत घर वालों को नहीं है <laughs> और वो तो बोलती है आप बंदी का प्यार का वो डीप देख रहे हो किस लेवल पे है मैं सरेंडर कर लिया <laughs> मैंने कहा बेटा अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो वो कर लो <laughs> तो ये एज में ऐसा होता है तो प्लीज आप करना करके ठीक है हाँ अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात 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 बताओ बताओ मुझे ये तो एग्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस वगैरह की बात होगी अब एक बात बताओ आपको पता चाय कैसे बनती है कैसे बनती है चाय <laughs> चाय कैसे बनती है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे आंसर किया कि चाय कैसे बनती है सर बहुत अच्छा मैं अपन एक काम करो पानी लो पानी को थोड़ा उबालो उसमें थोड़ी चीनी डाल दो चीनी डाल के और फिर थोड़ी शक्कर डालनी है तो अभी डाल दो नहीं बाद में डाल देना सर आपके कॉन्सेप्ट डिले हुए हैं <laughs> चाय आपको नहीं बनानी आती ठीक है चलो कोई बात नहीं चाय ये तो चाय आप घर पे बनाते हो उसकी बात कर हो रही है मैं ये बोल रहा हूँ जो चाय पत्ती आती है वो कैसे बनती होगी चाय पत्ती कैसे बनती होगी हाँ ये 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 ये, 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 ये दीदी एक्सप्लेन कर रही है या खड़े हो गए थोड़े हाँ चलो ये एक्सप्लेन कर रही है चुप बैठना ऑनलाइन वालों तुम तो एकदम ही चुप बैठो हाँ तुमको बता दूंगा क्या बोला इन्होंने हाँ फाइव स्टेप प्रोसेस कौन से स्कूल में बोला स्कूल में इतने ही बताया था फाइव स्टेप प्रोसेस है वेरी गुड वेरी गुड तो इन्होंने ये बोला कि चाय इन्होंने एक वर्ड बोला बागान करके ठीक है कि चाय पत्ती बागान में उगती है और बागान में ऐसे वो ग्रीन लीव्स होती है उसको फिर काटते हैं काटने के बाद में उसको सुखाते वगैरह है सुखाते के बाद में उसको ऐसे क्रश वगैरह करते हैं करके ठीक है क्रश करते हैं करके ठीक है और क्रश करने के बाद में फिर उसको जो है वो मार्केट में बेचा जाता है अब एक बात बताओ आप समझो जो चाय की प्रोसेस होती होगी करके ठीक है मैं यहां पे एक बार गूगल करके देखता हूं पता नहीं क्या आ जाए टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहां पे दे रखी है उसका इमेज देख लेते हैं ओ भाई साहब टी प्लांटेशन, आ, टी प्लांटेशन। ओ भाई ये ऐसा कुछ ऐसा किया होगा करके ठीक है टी प्रोडक्शन की प्रोसेस वगैरह दे रखी है कि रोलिंग करते हैं और ऐसा कुछ दे रखा है मतलब कुल मिला के एक बात बताऊं कहना मैं ये चाहता हूं कि जो चाय पत्ती आपके घर पे जो काले काले कलर की चाय पत्ती आती है वो एज इट इज नहीं है कैसे झाड़के को ऐसा ऐसा किया और वहां से गिर गई होगी और लाके दे दी तुमको ऐसा नहीं है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है क्या होती है बहुत सारी प्रोसेस अब चाय जो है वो पत्तियां होती है ना ग्रीन लीव वो ग्रीन भी तो बिकती है ना मार्केट में वो बेच सकते हैं बट कुछ फिर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं तो लॉ मेकर्स ने सोचा यार इसमें कैसे डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चर कितना और बिजनेस कितना क्योंकि जो चाय पत्ती उगती है चाय पत्ती वो जैसे ही उगती है वो उगती है तो वैसे के वैसे भी मार्केट में बिकती है तो उसको काटने के बाद बेच दिया तो तो एग्रीकल्चर बट उसकी प्रोसेस करने के बाद उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है अब जैसे कॉफी है तो कॉफी आप देखोगे ऐसे कैसे आप घर पे जो कॉफी पीते हो वो ऐसे नहीं आती है पाउडर वाली ठीक है उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले उस कॉफी को है वो क्योर किया जाता है क्योर करने के बाद कुछ रोस्टिंग होता है उसका करके रोस्टेड किया जाता है ग्राउंडेड किया जाता है उसमें चाय या कॉफी में बहुत बार चिकोरी मिलाई जाती है नहीं मिलाई जाती ये अपने प्रोसेस अपने काम की चीज नहीं है ठीक है तो ये सब प्रोसेस के बाद में जाके वो कॉफी मार्केट में सेल होती है तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कितना बिजनेस है और कितना एग्रीकल्चर है तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है गवर्नमेंट ने बोला कि अपन दिमाग नहीं लगाते एक काम करते हैं फिक्स परसेंटेज दे देते कि जैसे चाय है बोला कि आप अगर चाय को ग्रो करते हो और ग्रो करके मैन्युफैक्चर करके चाय पत्ती बेच दी तो हम सीधा आपका फोर्टी सिक्सटी कर देते हैं कि जो इनकम होगा आपका फोर्टी परसेंट बिजनेस और 60 परसेंट एग्रीकल्चर ऐसा रूल बना दिया इनकम टैक्स में एक ऐसा रूल डाल दिया कि चाय के केस लेके जाता हूं ये आई यहां पे की वेबसाइट, .gov .in करके और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल नहीं रही है करके ठीक है बट ये, ये जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो कैसे खुलेगी तो ये इनकम टैक्स वो खुल गई देखो मोदी जी आए मोदी जी आए भाई साहब क्या बोला मन की बात कर रहे थे मोदी जी अब यहाँ रूल्स में गया मैं और इनकम टैक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं भाई खुल जा हाँ इनकम टैक्स रूल्स में गया और इनकम टैक्स रूल्स में जाने के बाद इनकम टैक्स रूल्स में रूल नंबर एट पे गया ये रूल नंबर एट यहां पे डाला रूल नंबर और फिर मैंने सर्च किया तो सर्च करने के बाद मुझे रूल नंबर एट भाई सर्च हो भी रहा है या नहीं अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना तो क्या दे रखा है रूल नंबर एट क्या है एनु इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ टी क्या अगर आपकी इनकम होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी से तो उस इनकम को क्या करने का तो इन्होंने ऐसा सीधा दे दिया करके ठीक है देखो इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी आप क्या करते हो इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ द टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर बाय द सेलर मीन ग्रो भी आप ही कर रहे हो और आप ही सेल कर रहे हो, चाय को बेच रहे हो ठीक है चाय मतलब वो वो चाय चाय ले लो, चाय ले लो, लो, सेलर इन इंडिया शेल बी कम्प्यूटेड एज इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस ऑनली एंड फोर्टी परसेंट ऑफ सच इनकम shall बी deemed टू बी द इनकम लाइबल टू द टैक्स मीन इसमें से 40 परसेंट इनकम पे टैक्स लेंगे और 60 परसेंट क्या हो जाएगी एग्जाम क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी एग्जाम तो चलो अपन एक काम करते हैं एक 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 लिखना चालू करते हैं ये पता नहीं माइक को क्या हो गया है ना हाँ सर जो चाय बना के बेच रहा है उसकी इनकम टैक्सेबल होगी देखो बनाना भी आपको चाय ही है अनिश हाँ एम चाय वाला मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता सॉरी एक प्रोफेसर ने बेचारे ने पता है वो थोड़े दिन पहले उसने बोल दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना उसको निकाल दिया जॉब से भाई आप जिसको भी देना देना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो चलो <laughs> आप लिखो हेडिंग दो इसके बाद लिखो सम स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर रबर समझते हो ना रबर 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 नहीं समझते आप लोग कॉफी रबर बहुत मुश्किल है रबर नहीं समझते आप लोग छोटे बच्चे से इरेजर नहीं समझते वो किससे बनता है वो पौधे से बनता है पता है आपको ये पता है आपको क्या लगता है इरेजर प्लास्टिक से बनता है नहीं एक कचरे से बनता है पेंसिल के कचरे से ओ ये लो और ये बोलते हैं हमको आप हम बोलते हो लखन ही तुम्हारे ऐसे चलो सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर अब आप लिखिए सबसे पहले रूल नंबर number... एट रूल नंबर एट होता है दैट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी मिन्स आप ग्रो भी कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी अगर आपका ऐसा है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी फोर्टी परसेंट है वो बिजनेस इनकम होगी एंड 60% परसेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी इनकम एग्जेम फोर्टी परसेंट टैक्सेबल है फोर्टी परसेंट बिजनेस इनकम सिक्सटी परसेंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम ये तो हो गया तुम्हारा रूल नंबर एट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो रूल नंबर सेवन बी करके अब ये रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको याद रखना है टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फोर्टी सिक्सटी होगा रूल नंबर सेवन बी में लिखो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ कॉफी कॉफी के केस में क्या होगा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ कॉफी अगर आप इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ कॉफी कॉफी अगर है तो कॉफी में दो पार्ट अगर मान लो आप ग्रोन करते हो आप क्या करते हो ग्रोन एंड क्योर बस आप दो ही एक्टिविटी करते हो ग्रोन करते हो मीन कॉफी उगाई और उसको क्योर करके बेच दिया मतलब दो एक्टिविटी करके आपने बेच दिया कॉफी ग्रोन एंड क्योर सिर्फ दो ही काम करते हो तो इसमें आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका बिजनेस इनकम होगा एंड सेवेंटी फाइव परसेंट आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट बिजनेस इनकम सेवेंटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर इनकम लेकिन अगर आप मान लो और कुछ एक्टिविटी करके बेचते हो क्या क्या करते हो तो आप ग्रो करते हो क्योर करते हो उसके बाद रोस्टेड करते हो एंड ग्राउंडेड करते हो मतलब चार काम करके बेचते हो आप लोग ग्रो करते हो क्योर करते हो रोस्टिंग करते हो और ग्राउंडिंग करते हो और उसके बाद में कॉफी को बेच देते हो तो उसके बाद में अगर आप कॉफी को बेच देते हो तो आपका फोर्टी परसेंट है वो तो बिजनेस इनकम होगा एंड सिक्सटी परसेंट है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा फोर्टी परसेंट बिजनेस इनकम एंड सिक्सटी परसेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम एंड लास्ट एक रूल नंबर लिखिए रूल नंबर सेवन ए करके दैट इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का प्लांट होता है रबर के प्लांट से रबर निकलता है तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर करते हो ना तो आप एक काम करो थर्टी फाइव परसेंट वो तो आपका बिजनेस इनकम है एंड 65 परसेंट है वो आपका एग्रीकल्चरिंग का है बस देखिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर हाँ भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अप्रोप्रिएट परसेंटेज के भाई इसमें अगर डिवाइड भी करें तो इतना बिजनेस का कंपोनेंट होना चाहिए इतना एग्रीकल्चर टी नहीं ये फिक्स है कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होता ये एवरी ईयर चेंज नहीं होता ये लास्ट के पंद्रह साल से तो मैं देख रहा हूं कांस्टेंट है हाँ ये लर्न करना पड़ेगा रूल नंबर नहीं करना सिर्फ परसेंटेज याद रखना है हम्म सॉरी हाँ एक सेकेंड शी इज आस्किंग समथिंग गुड वॉट यू आर सिंग इनकम टैक्स सो मेनी परसेंटेज आर देयर हाउ टू रिमेंबर ना या मैं बता रहा हूं अभी इनकम टैक्स रेट तो आपको याद रखनी पड़ेगी पांच परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट वो तो याद हो जाएगी अब यहां पे परसेंटेज में आपको सबसे पहला डाउट तो ये रहेगा कि ये परसेंटेज कहां से आया कैसे उन्होंने निकाला होगा तो उन्होंने क्या किया एक एग्जाम्पल लिया होगा कि भाई अगर चाय की पत्तियां आपने बोई पत्तियां बेचने से जो इनकम होती है वो पूरी एग्रीकल्चर है फिर उन्होंने क्या किया होगा कि पत्तिया का है कि भाई उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रही होगी और उसके जो इनकम है उनके पास में आई होगी कि नॉर्मली ये सिक्सटी परसेंट हो रही है और उसके आगे जो चाय जो ब्लैक कलर की आती है वो बना के बेचने से और फोर्टी परसेंट इनकम होती है तो गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल बेसिस लेके और बोला आपको झंझट से मुक्त करते हैं आप सब मत निकालो हम एक काम करते हैं आपकी जितनी टोटल इनकम होगी 40 60 कर देते हैं तो उनको जो परसेंटेज वहां पे अप्रोप्रिएट लगा वो परसेंटेज उन्होंने यहां पे यूज किया तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग इसमें रूल तो है ना ऐसा है 7A 7B और 8 तो आपने ऐसा क्यों लिखा है रूल 8 7B एंड 7B 7A ऐसा क्यों लिखवा है क्योंकि रूल वाइज देखोगे तो 7A पहले आना चाहिए हां हां या ना बाद में आना चाहिए एट बाद में आना चाहिए तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा है पहले 8, फिर 7B और 7A. क्योंकि मतलब एक बात सिंपल सी चीज है आपको अगर बोला जाए रबर कॉफी टी बोले पता है क्या बोल रहा है भाई और अगर ऐसा बोला है, टी कॉफी रबर कितना अच्छा लगता है तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है जिससे टी कॉफी रबर टी कॉफी टी कॉफी टी कॉफी रबर अब टी के केस में फोर्टी सिक्सटी बोलो फोर्टी सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी फोर्टी परसेंट बिजनेस एग्रीकल्चर अगर मैं कॉफी के केस में बोलू अगर सिर्फ ग्रो करके क्योर करके बेच देते हो तो ट्वेंटी अगर ग्रो क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड है तो फोर्टी रबर के केस में थर्टी फाइव सिक्स परसेंटेज तो याद रह जाता है कि भाई चलो फोर्टी सिक्सटी है जब अपने यहाँ पे भी फोर्टी सिक्सटी होता है ना शायद कोई तुम्हारे किस में बीकॉम वगैरह में कोई फोर्टी सिक्सटी का रूल है ना क्या है अटेंडेंस इंटरनल फोर्टी सिक्सटी होता है क्या हाँ जो छोड़ दो कोई हाँ 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 हा। रुक जाओ आप लोगों को डाउट यह आता है कि सर है ना हमको फोर्टी सिक्सटी याद है याद 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 है, 40, 60 याद है, याद है, 65 याद है है। ये भूल जाते हैं कि कौन सा agriculture है और कौन सा सा और हमेशा रखो, इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इज इन टू एग्रीकल्चर तो ज्यादा वाला परसेंटेज क्या रहेगा एग्रीकल्चर और कम वाला क्या रहेगा बिजनेस तो अगर याद आ जाए फोर्टी सिक्सटी तो फोर्टी क्या है बिजनेस सिक्सटी क्या है एग्रीकल्चर 25-75 तो 25 क्या है बिजनेस 75 क्या है एग्रीकल्चर और 35-65 में 35 क्या है बिजनेस 65 क्या है एग्रीकल्चर 35 क्या है बिजनेस क्या है बिजनेस वो एक बंदा आता है ना बोलता है बिजनेस वो छोटा वाला बंदा है ना बोला इट्स बिजनेस वो वाला करके ठीक है अब एक बात बताओ अब एक दूसरे को बता रहे कौन सा वाला करके ठीक है बाद में ब्रेक में बता देना हाँ सॉरी इन तीनों के लिए क्यों अच्छा हाँ एक बात बताओ गवर्नमेंट ने सर इन तीनों के लिए ही रूल क्यों दिए हैं बाकी गेहूं के लिए क्यों नहीं दिए तो नॉर्मली गेहूं ऐसा होता है ना जो नॉर्मली गेहूं आप बेच देते हो तो एग्रीकल्चर है पूरा मतलब गेहूं से चपाती बना के बेचना इज वेरी रेयर या गेहूं से आटा बना के बेचना ज्यादा तक लोग नहीं करते ऐसा या फिर आप अगर मान लो बात करोगे के शुगर कैन तो शुगर कैन डायरेक्टली बिक जाता है मिल्स में तो सुगर से आप ही सुगर बना के बेचते हो ऐसा बहुत रेयर होता है या फिर पोटेटो से चिप्स बना के बेचना बहुत बट ये टी में तो ऐसा होगा ही होगा टी में आप देखोगे नाइनटी नाइन जो लोग हैं टी बागान वाले हैं वो चाय पत्ती ही बेचते हैं सब प्रोसेस खुद ही करते हैं और चाय पत्ती बेचते हैं कॉफी में भी ऐसा ही होता है रबर में भी होता है इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने तीनों के लिए स्पेसिफिक रूल ही बना दिए बाकी लोगों के लिए नॉर्मल जैसा रूल नंबर अपन ने सेवन में पढ़ा था कि आपको कैसे डिवाइड करना है वैसे अपन डिवाइड करेंगे और ये रूल में सीधा दे रखा है चलिए अपन एक काम करते हैं सीधा चलते हैं एक क्वेश्चन पे और आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन या फैजान भाई This is business. चलो इधर देखो अब वो ऐसा बोलता है ना चलो छुटकी देखो इधर 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 कल से मैं इधर बोर्ड करवाऊंगा इसको चेंज करेंगे आप मैं इधर आ जाऊंगा और मैं ऐसा कुछ करेंगे हाँ चलो मिस विविथा मिस विविथा मिस विविथा हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नहीं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बुक मिलेगी हाँ क्वेश्चन <laughs> लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन क्यों ही लिखोगे मैं छोटा था तो मेरे, मेरा मेरा नोटबुक एक भर गया तो मेरे ने फिर दूसरी नोटबुक मंगाई उससे बड़ी वाली और जो नोटबुक भर गया था वो वापस मैं नोटबुक में कॉपी करने लग गया मेरे को किसी ने बताया ऐसा नहीं होता है स्कूल में एक नोटबुक भर जाती है उसके बाद दूसरी नोटबुक में नए से चालू करते हैं तुमने लिख लिया था क्वेश्चन तो मैंने पूरा नहीं लिख लिया दो ही पेज लिखे थे फिर मुझे किसी ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता ऐसा होता है मेरे साथ ऐसा ऐसा चीजें हो चुकी है मैं क्या बताऊं करके ठीक है अपने महाराष्ट्र में एक पता है कोकम शरबत आता है कोकम शरबत का कैन कौन सा आता है ऐसा व्हाइट कलर का नॉर्मल था ठीक है तो मैं मुंबई में पहले फेस टू फेस पढ़ाता था तो मैं फेस टू फेस पढ़ाता था तो मेरा एक स्टूडेंट था जो विदर्भ में विदर्भ में होता है सबसे ज्यादा कोकम शरबत है विदर्भ महाराष्ट्र में किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है कोंकण में होता है तो कोंकण में होता है तो वो बंदा वहीं से था तो वो गांव गया था गांव से आया तो मेरे लिए वो एक कैन लेके आया और मुझे बोला कि सर ये कोकम शरबत है बहुत बढ़िया है हमारे घर पे बनाया हुआ है और उसके ऊपर कुछ लेबल वेबल स्टिकर वस्टिकर वे नहीं होता नाम वाम कुछ नहीं बिकॉज वो दैट रॉ फॉर्म होता है ना तो उसने ला मुझे दे दिया और मैं घर पे गया घर पर रखा और मैंने किचन में ले जाकर उसको रख लिया अब किचन में लगा के रख लिया और मेरी मम्मी भी उस टाइम आई हुई थी तो मैं लेक्चर से आया था फिर एक घंटे पर बाद वापस मैं गया किचन में मैंने सोचा कोकम शरबत मैं पी लेता हूँ तो मैंने ऐसा का ऐसा एक और कैन पड़ा था जो बर्तन धोने का साबुन था सेम के ना, सेम बिल्कुल फर्क नहीं वो भी पिंक कलर दिख रहा है ये भी पिंक कलर तो भाई साहब मैंने क्या किया पहले ग्लास में मैंने उसको पूछा था मैंने कैसे पीने का था। था आधा गिलास पानी और थोड़ा सा ये डाल के और ऐसे पीना रहता मैंने आधा ग्लास पानी लिया पहले फिर वो जो कोकम शरबत जो मुझे लग रहा था कोकम शरबत है वो मैंने लिया और मैंने आधा ग्लास आधो भर दिया

<laughs> मम्मी मैंने मम्मी को देख लिया मैंने कहा मम्मी जिंदा हूं क्यों तो टेंशन ले रही हो इतना करके ठीक है मेरे साथ ऐसा हो गया करके ठीक है ये बोलती है अच्छा है पेट साफ हो गया आपका तो रोज कर लिया करो मतलब कुछ भी चलो आ जाओ ये मिस विविता अ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इन इंडिया ये जो विविता है ये रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में ही रहती है ठीक है हैज डिराइव फॉलोइंग इनकम फ्रॉम द वेरियस ऑपरेशन बेटा पेन इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन रिलेटिंग टू द प्लांटेशन एंड स्टेट्स ओन बाय हर इसके खुद के स्टेट्स है स्टेट्स का मतलब बागान होते हैं बागान है खुद के ठीक है ड्यूरिंग द देंट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो सबसे पहला है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द सेंट्रीफ़्यूज़ लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग तो दार्जिलिंग में कोई रबर प्लांट है और इसके खुद के प्लांट है और उस प्लांट से उसने रबर बनाया जिसको लेटेक्स बोला जाता है और वो उसने बेच दिया तो उससे जो इनकम हुई वो थ्री लैख की हुई आप बताइए यहां पे कौन सा परसेंटेज लगेगा थर्टी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो 65% एग्रीकल्चर एंड 35% बिजनेस टैक्सेबल कितनी होगी 35% 65% क्या है एक्सेल उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी कॉफी है वो सेल की ग्रोन एंड क्योर इन द यार्क्यूड तमिलनाडु तो तमिलनाडु में कोई जगह है वहां पे आपने कॉफी को सिर्फ ग्रो किया है क्योर करके बेच दिया तो कितना आएगा 25% 75% नेक्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रो किया क्योर किया रोस्टेड किया ग्राउंडेड किया इन द कोलंबो सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई मुझे एक बात बताओ कितना परसेंट होगा इसमें हाँ आपने सेल ऑफ कॉफी ग्रोन रोस्टेड ग्राउंडेड किया इन कोलंबो एक बात बताऊं कोलंबो कहां पे है एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम तभी मानी जाती है जब वो इंडिया में हो रही है इंडिया के बाहर से अगर कोई इनकम है ना तो वो पूरा टैक्सेबल है तो भैया यहाँ पे फोर्टी सिक्सटी नहीं होगा यहां हंड्रेड परसेंट आपका बिजनेस का इनकम होगा यहां पे बिजनेस का इनकम होगा हंड्रेड परसेंट यहां पे एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम तभी होती है जब वो एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया में होनी चाहिए इंडिया में होनी चाहिए तभी वो है इंडिया के बाहर है तो वो नहीं है नेक्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी एंड मैन्युफैक्चर इन द शिमला इसका कितना होगा फोर्टी सिक्सटी एंड इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन द नर्सरी एट कोचिंग नर्सरी है आपकी सैपलिंग सीडिंग कर रहे हो करके ठीक है

आपको इसकी बिजनेस और एग्रीकल्चर की इनकम है वो कैलकुलेट करनी है तो चलिए अपन बिजनेस और एग्रीकल्चर की इनकम है वो कैलकुलेट करना चालू करते हैं हाँ चलो तो अपन क्या करेंगे चलिए इधर देखिए उसका टाइमिंग होता है मिस विविथा प्रीवियस ईयर तेबीस चौबीस कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम उसके बाद यहां लेते हैं पर्टिकुलर पहले ले लेते हैं बिजनेस इनकम दूसरा एग्रीकल्चर इनकम पर्टिकुलर बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम आप फॉर्मेट बना रहे हो सर इतना गंदा कौन ही बनाएगा यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम और डाल देते थ्री लैख रुप की इनकम है अरे रबर की थ्री लाख है ना जिनके पास बुक है उनकी बात कर रहा हूँ थ्री लैख क्वेश्चन नंबर है ऊपर लिख लेना क्वेश्चन नंबर पेज नंबर फोर तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर थर्टी फाइव परसेंट तो तीन लाख का थर्टी फाइव परसेंट कितना होता है वन लाख फाइव और एग्रीकल्चर इनकम वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर आपने ग्रो एंड क्योर किया है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट तो वन लाख की इनकम का ट्वेंटी फाइव परसेंट वेरी गुड बेटा क्या नॉलेज है आपको भारत रत्न मिलना चाहिए इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो कोलंबो ये कोलंबो जो है ये आउटसाइड इंडिया में आता है ठीक है इट्स बिजनेस सो कोलंबो हंड्रेड परसेंट बिजनेस तो ये ढाई लाख है उसके बाद इनकम फ्रॉम पी तो चार लाख मल्टीप्लाय सिक्सटी थाउजेंड एंड टू लाख फोर्टी थाउजेंड एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी क्या बात कर रहा है और दूसरे वाले का नाइनटी थाउजेंड नाइनटीन या 90? Zero, सही है? तो जो की इनकम होती है वो तो क्या होती है? होती है टैक्सेबल उस पर टैक्स भरना पड़ता है बिजनेस की इनकम जो होगी ये बिजनेस की इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा टैक्सेबल है और एग्रीकल्चर की इनकम क्या है एग्जेम्ट अंडर सेक्शन टेन क्लॉज नंबर वन नहीं टैक्स अभी कैलकुलेट करना नहीं है सिखाएंगे उस वो भी हाँ हाँ इंडिविजुअल की स्लैब डेट पे सिर्फ फाइव फोर्टी पे टैक्स लगेगा कोई फर्क नहीं कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने इसलिए बताते टाइम बोला था ना वो भले आप फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हो नर्सरी की इनकम पौधे बेच रहे हो पूरा एग्जाम चलिए डन बोलो डन चलो तो इधर देखो ना एक बार छह मिनट हैं मेरे पास ऐसे हाँ? बैग पैक करते हैं ना ये लोग जैसे अभी तो कॉस्टिंग का लेक्चर बहुत लेट है अभी एक घंटा होता है ना आपके पास फोर्टी फाइव मिनट्स तो कितना बजे चालू होता वो टू फिफ्टीन शार्प चलो तो इधर देखो अच्छा एक और चीज जो लोग आटो सब मतलब जो सुबह से लेके शाम तक बैठते हैं वो यहां बैठे और जो लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए आते हैं वो थोड़े उधर बैठ जाएंगे तो भी चलेगा मैं उधर भी आता हूँ हाँ हा, चलो इधर देखो सब लोग ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन एक और छोटा छोटा एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तो एकदम आपको आपको आते हैं मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूं आपको आते हैं ठीक है थीके? चलो मुझे मैं आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ क्या दिला रहा हूँ एहसास तो देखिए हाँ चुटकी इधर देख क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रखा है एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट क्या ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन आपको यह बताना है कि क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं पहला पॉइंट नो no, अरे रुक तो जाओ पढ़ने तो दो तुमने पढ़ ही लिया तो देखो इधर देखो रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मूवी शूटिंग अगर आपने किसी को मूवी शूटिंग के लिए दे दिया शाहरुख खान और काजल दौड़ रहे हैं और उनके बच्चे भी पीछे दौड़ रहे हैं पापा ये एज नहीं है बट तो भी ठीक है वो है वो दौड़ रहे हैं तो तो उसमें ये एग्रीकल्चर इनकम या नहीं नहीं तो देखिए यहां क्या दे रखा है इंस्टीट्यूट ने रेंट रिसी फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मूवी शूटिंग एज पर सेक्शन नंबर टू बने सेक्शन नंबर याद नहीं रखनी एग्रीकल्चर इनकम मीन In एग्रीकल इनकम तो तो था अदरवाइजल्चर इनकम नहीं है इन द प्रेट केस रेंट इज बीन डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मूवी शूट विच इज नॉटीकल्चर पर्पज एंड इट डॉट कॉन्स्टिट्यूट दल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का पार्ट टू इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग्स इन द नर्सरी एडजस्टेंड टू द एग्रीकल्चर लैंड ओन बाय द दी आपने नर्सरी से इनकम हुआ मुझे एक बात बताओ नर्सरी से इनकम हुआ एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा या नहीं यस yes. तो देखिए क्या दे रखा है एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री ऑफ सेक्शन टू बने अब यहाँ एक्सप्लेनेशन नंबर वगैरह सेक्शन नंबर ये याद नहीं रखना है आपको ठीक है इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग्स

एक बात बताओ, मैं बताओ, राजा के हाथ हाथ में में तो 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 बिजनेस होगा, होगा होगा, क्योंकि कॉफी क्या हो रहा है है, है, सिर्फ ग्रोन ग्रोन एंड एंड बेटा जो उसका दोस्त है, उसके रोस्टेड ग्राउंडेड सब है, तो कितना इनकम वो आपका एग्रीकल्चर तो तो आप था पहलेगा ऑफ टेन लैक

रमन चलो आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करते थैंक यू